ओके आमे यूट्यूब रे लाइव आछो हैना गुट सेकंड ना बट सेकंड यूट्यूब हे लिंक शेयर कर दे सब को ओके आमे यूट्यूब रे लाइव आछो हैना गुट सेकंड ना बट सेकंड

ओके सुमित हम्म एक सेकेन्ड ना बट ठीक अच्छे या फाइन ওকে সো জাইভিং টু অল টিক কবেচু আমার আওয়াজ শুভা যাচ্ছে কি নিজে ইউট্যুব প্লিজ কমেন্ট করুন যদি কর আমার আওয়াজটা শুভা যাচ্ছে সমস্তকে বলে ইউট্যুব

फेसबुक रे अमर किछि प्रॉब्लम होउ छै सेतिर पई हमें फेसबुक रे लाइव है नै परबा रे अ सो ओके इन केस इन केस हमर ऑडियो सुबह नै गले आपन माने हमके YouTube रे मैसेज करी परबे एंड तापर होछ हमें किछि ट्राई करी परमा आमे कारण त फिर आमे अलग ऑप्शन देखि परमा आमे बट आई होप ऑडियो हमर ऑडियो सुबह जे समस्त हमके अ सो जय भीम टू ऑल अह नमस्कार आउ जोहार समस्तन को निर्वेद उड़ीसा तरफ रो uh, अ राजेश आउ आपणा समस्तन को निर्वेद उड़ीसा यूट्यूब चैनल रे आमा समस्तन को मैं स्वागत करू छु आउ आज हमर जन टॉपिक थिला इज जस्टिस फॉर दलित स्टिल अमर जन टाइटल थिला आमर सॉरी यस আমার যে টাইটেল ই জষ্টিস ফর দলিত স্ট এ ড্রিম সো আপন মানে কি যে আমি টাইটেল কুচু সে টাইটেল হি আমি জানিপারবা কি যে জষ্টিস জষ্টিস যে আমি কৌচু সে জষ্টিস রে কি যে দলিত ড্রিম হয়ে যাইছে ড্রিম মানে গোটে স্বপ্ন হয়ে তো উপরে আমি আজিকা টপিক রকিছু সেই আমার যে টপিকটা আজকা টপিক বিষয়ে রয়েছে সেটা তো সে টপিক বিষয়কে নিয়ে কি আজকে চর্চা করার আউ টপিক আজি আমি এরপরে সেটাকে আমি ভাবিচু। এবার রিসেন্টলি আমি যেস হলাম ঘটনা ঘটিছে যেটাকে আমার হাতর সলিত উইমেন সাগে যে আমার গোটে সামূহিক বলাৎকার যে সেই উপরে আমার যে এবার যে হিসাবে সব আক্রোশ যে চালছে যে হিসাবে গোটে অ্যঙ্গার গুটে দলিত অ্যাঙ্গর অ কম্যুনি অ্যঙ্গর আছে সেটাকে নিয়ে কি তো সেইটাকে হোচে আমি আজ ডিসকস করবাক যাছুঁ এটা আ আমার সাং অছেন সুমিত সামুস যে গোটে আন্টিকা র্যাপর এন্ড দেলর জে এউ ডে দের আমার পাখে আমার পাখে প্যানাষ্ট অ জিতেন্দ্র সুনা যে বাপসর গোটে মেম্বর আছে আন্টিকাষ্ট আকটিভিষ্ট জেএন নিউ ডে প্রথমে আমি স্টার্ট করার জিমা বলে আমি যে দেখুছ আজিকাল যে হিসাব जन हिसाब रे आम जन प्रॉब्लम माने स्टार्ट हो छी होमर जन दलित इश्यूज तो माने दलित एट्रोसिटीज तो आज अगर हम बेसिकली मेसिकली फोकस एट्रोसिटीज को नहीं रहा बा जन स्टेट मशीनरी रहू छी जन जेन जुडिशियरी रहू छी कि जन सिस्टम रहू पलिस सिटम रोचे आम पलिटन जन पावर्स रहू छी जन पार्लियामेंट डेमोक्रेसी रहू छी से भितरे काना कणा दलित को जस्टिस मिली पारू छी कि आम जेन हिसाब से जस्टिस डिमाण्ड करुचू

जो कि एंटीकस्ट रायपुर का क, है एंटीकस्ट oh, है एंड देन वो रिसर्च स्कॉलर है जेएनयू नई दिल्ली से देन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितेंद्र सोना जो कि बापसा के मेंबर्स हैं एंड देन वो रिसर्च स्कॉलर भी हैं जेएनयू नई दिल्ली से तो आज का हमारा जो विषय है वो इज जस्टिस फॉर द लिस स्टिल ए ड्रीम सो क्या हमारे लिए जो न्याय है न्याय दलित के लोग दलित कम्युनिटी के लिए एक सिर्फ ड्रीम बन के रह गया है और उसी ड्रीम हमें पहुंचाने के लिए बहुत दिक्कत सामना करना पड़ रहा है तो उसके लेके हम आज के डिबेट और आज के हम हुए हैं तो हमारे पास जो दो पैनलिस्ट हैं आ, करेंगे इसी को हम देखने के लिए कि क्या जस्टिस ओवरऑल इंडिया में दलित के लिए कितने हद तक हमें जस्टिस मिल पाता है और मैं एक कोटेशन बोलना चाहता हूँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जिन्होंने जब गांधी जी के साथ एक साथ बात कर रहे थे और उस जिस टाइम पर गांधी जी ने बोल रहे थे कि बाबा साहेब क्योंकि आपके ही देश हैं और इसी में आपको क्या असुविधा है क्या क्या मतलब आ, क्या परेशानी हो रहा है उस टाइम पर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोले थे कि आई हैव नो होमलैंड इसका मतलब डायरेक्ट ये समझा जा सकता है कि मेरे पास कोई घर नहीं है यहाँ पर या इसी देश में मुझे पूछने वाला कोई नहीं है या मेरे हक के लिए लड़ाई करने वाला कोई नहीं है ठीक यही तरह अगर अगर हम हम एक हम अगर एक इंसिडेंट को कंपेयर करते हैं जैसे कि पहले हम देख सकते हैं कि जो निर्भया इंसिडेंट होता है 2012 में तो निर्भया का जो इंसिडेंट होता है मैं आपको सबको बता दूं कि इवन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं विक्टिम्स के अगर डायरेक्टली नाम बोलूँ तो क्योंकि उनके नाम थे ज्योति सिंह पांडे जो कि एक अप जैसे कि वो एक अपर कास्ट कम्युनिटी से आते हैं तो उनका नाम ज्योति सिंह पांडे थे पर जब हम मीडिया ट्रायल देखते हैं मीडिया के बारे में हम देखते हैं तो मीडिया का हिलराइड बन जाता है उनका एक लाइक एक उनको एक छुपाने चाहते हैं लेकिन उनका नाम छुपा देते हैं वो लोग तो आज तक भी बहुत लोगों के पास उनका नाम नहीं पता होता है और हम उनको एक निर्भय के नाम से जानते हैं तो जब 2012 में ये इंसिडेंट होता है जो गैंगरेप होता है या जो सामूहिक बलात्कार होता है उसी को लेके जब मीडिया आउटरीज होता है या जो, के जो लोग आगे बढ़ के जो बढ़ चढ़ के जो पार्टिसिपेट करते हैं और वो जस्टिस के डिमांड करते हैं तो उसी समय उसको दूसरे नाम दिया जाता है निर्भया इंडियस डटर सो so, इंडियस डटर जो बोलते हैं कि भारत की लड़की तो भारत के लड़की का जो एक नाम दिया जाता है इसका मतलब है कि निर्भा एक ही लड़की है जो भारत की बेटी है और उसको हमें फिलकर करना चाहिए या उसकी जस्टिस के लिए हमें हमें आगे बढ़ना चाहिए तो इसमें कुछ बुराई नहीं है जस्टिस किसी जस्टिस मांगने के लिए क्योंकि जिसके साथ भी रेप होता है जिसके साथ भी बलात्कार होता है तो वो कानून कानूनी अपराध है और उसको हमें कंडेम करना चाहिए और जब हम उसको एक कैटेगराइज कर देते हैं जब हम उसको अलग अलग रूप से देख लेते हैं इवन एक दलित लड़की होती है या एक आदिवासी लड़की होते हैं और एक दूसरे कम्युनिटी के जो गरीब जो बहुत गरीब सेक्शन से आती है उसको हम एक नजरअंदाज कर देते हैं तो उसमें हमारा जो एक आ, आ, इंटेंशन पता चल जाता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं कि जब एक अपकास्ट लड़की को लाइक इनजस्टिस होता है या उसके साथ कुछ प्रॉब्लम uh, होता है तब उसको हम एक नेशनल लेवल का एक डिबेट इशू बना देते हैं पर जब उसी सेम टाइम पर आपको बहुत लोगों को पता होगा कि उसी सेम टाइम पर जब निर्भया का इंसिडेंट हुआ 2012 में, उसी सेम टाइम पर उसी एरिया में ही एक दलित लड़की का भी बलात्कार हुआ था उसी सेम टाइम पर ही थोड़ा थोड़ा दूर अगर आप हाँ दिल्ली से थोड़ा सा के जाएंगे तो पर वो एक नेशनल इशू नहीं बन पाया तो आज का इशू जो आता है इवन

इसको हम ऐसे कैटेगराइज कर रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश के निर्भय थे और ज्योतिषिक फांडे वो इंडिया का निर्भया थी और हम जब फंड भी बनाते हैं नाम से हम फंड बना लेते हैं जो भी सॉरी रेप होता है गर्ल्स के साथ या एक्ट ले आते हैं एक्ट में निर्भया का भी नाम ले आते हैं तो जब जब भी कुछ कानूनी कार्रवाई होता है या जब जब भी कोई एक्ट बनता है लॉ बनता है तब हम जो के जो भी विक्टिम्स होते हैं उनके नाम से हम बना लेते हैं पर ऐसे जो भी कहानी है या ऐसे जो भी मतलब इंसिडेंट हुआ है वो सब सबको चीजें हमारे देश में ऑलरेडी हो चुका है इवन दलित वुमेन के साथ है बहुत सारे इंसिडेंट है आप सभी को पता होगा भावरी देवी का केस होगा या फुलन देवी का केस होगा तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है बहुत सारे केसेस है जिसमें की ऑलरेडी दलित वुमेन को विक्टिमाइज विक्टिम सहना पड़ा है और उनके नाम तो अभी तक कोई मतलब कोई एक्ट नहीं बना कोई लॉ नहीं बना तो ऐसे क्यों है तो तो ये जो मीडिया वाले जो पूछते हैं हम लोगों को कि इसमें कास्ट एंगल क्यों लाते हो तो ये सारे जो टॉपिक है तो हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि मतलब जो मीडिया अच्छा कर रहा है हमारे मीडिया को दिखा रहा है आपको भी पता होगा कि जो इंसिडेंट हुआ था चौदह दिन के बाद जब मीडिया आउटरेज हुआ या कुछ नुकल न्यूज दिखाए उसको तब ही ये आउटरेज होके आगे बढ़ा है एंड देन बहुत सारे न्यूज जो हेडलाइंस है वो आगे लेके आते हैं तो इसमें हमें खुश होने की बात नहीं है जो मीडिया हमारे को पहले दिखा नहीं रहता अभी वो दिखा रहा है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है और किसी हिसाब से हम उसको अच्छे कह नहीं है सकते हैं फिलहाल ये डिबेट को हम आगे लेके जाएंगे तो हमारे साथ जो दो पैनलिस्ट है सुमित सामोस एंड देन जितेंद्र सिन्हा हम उनके साथ चर्चा करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे और पहले से ही निर्वेद की तरफ से मैं अपलेज करना चाहता हूँ कि हम कोई फीमेल पैनलिस्ट को हम ला नहीं पाए पर हम कोशिश करेंगे कि आगे जैसे ही हमारे डिबेट आगे बढ़ेगा क्योंकि ये जो ये एक ही डिबेट नहीं है हमारे लिए क्योंकि ये जो जस्टिस की बात है ये आज हाथरस जो केस हुआ है उसकी वजह से ही हम आ, मतलब आए नहीं है कि हम आ, आज एक कमीटिंग कर देते हैं आज एक डिस्कशन कर देते हैं हमें आगे भी बढ़ना चाहिए हमें आगे भी डिस्कस करना चाहिए हमें रिविजिट करना चाहिए हमारे जो सिस्टम्स को लेके हमारे जितना भी मतलब एटोसिटी होता है हमें कैसे फॉर्मूला किस फॉर्मूला से आगे बढ़ना चाहिए किस सिस्टम से आगे बढ़ना चाहिए तो ये सब सबको चीज़ें को हमें देख सकते हैं तो हम आशा करते हैं कि आगे आगे आने वाले टाइम में हम निर्वेद की तरफ से हम फीमेल पैनलिस्ट एंड देन एक्सपीरियंस पर्सन को भी हम लेके आएंगे फिलहाल हमारे पास टाइम कम था इसलिए हम दो पैनलिस्ट के साथ आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि जितना भी हो सके हम उतना डीपली अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ों को लेके और ये एट्रोसिटी को लेके लेके और जस्टिस वाला जो चीज़ है क्या दलित के लिए एक ड्रीम हो गया है वो हमारे लिए एक बहुत जरूरी सवाल बन गया है हमारे सभी लोगों के लिए तो मैं सुनित समस को मैं इनवाइट करता हूं और हमारे जो निर्वेद के डिस्कशन में उनको मैं वेलकम करता हूं जय भीम सुमित हाँ जय भीम राजेश मेरा आवाज आ रहा है तुम्हारे पास या मेरे पास आ रहा है आपका या हाँ ओके ओके तो सबसे तो, पहले तो आ, या, तो आप सबसे पहले, पहले तो थोड़ा बताइए या, आप थोड़ा बताइए हाँ। कि जो इंसिडेंट है जो हाथरस इंसिडेंट आप इसको केस किस हिसाब से देखते हैं और आप थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताइए कि ये कैसे ये डेवलप हुआ है और आपके अंडरस्टैंडिंग में इसको हम जस्टिस मिल सकता है क्या मनीषा को जस्टिस दे सकते हैं क्या या सिस्टम से हम ला पाएंगे क्या तो आपका क्या भी वही इसके ऊपर या गो तो, गुड्स पहले तो सबसे पहले तो मैं निर्वय ओडिशा का थैंक यू करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया और सबको जय भीम आ, पहला बात तो ये है कि मैं बिलीव नहीं करता कि एक बार इतना ब्रूटल ब्रूटल लेटरस इतना सेक्सुअल वायलेंस हो गया और लाइफ चला गया लाइफ चले जाने के बाद हम लोग कितना भी जस्टिस जस्टिस कर ले फेसबुक पे या फिर प्रोटेस्ट पे तो वो जस्टिस नहीं मिल सकता क्या वो उसका लाइफ वापस आ सकता है वो नहीं आ सकता तो उस हिसाब से मनीषा के लिए जस्टिस नहीं हो सकता ऐसा नहीं है सिर्फ कि वो ठाकुर जो मैन है उनको पनिशमेंट मिल गया तो मानिसा uh, के साथ जस्टिस हो गया वैसे नहीं होता है तो बेसिकली uh, मैं मेरा अंडरस्टैंडिंग जो है कि जैसे ही इंसिडेंट हुआ उसके बाद uh, जो 10-12 दिन तक जब 10-12 दिन तक ज्यादा आउटरेज नहीं था पब्लिक में वो आउटरेज तब हुआ जब ये मेन स्ट्रीम लाइमलाइट में आया और ऐसे ब्रूटल इंसिडेंट बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे ब्रूटल सेक्सुअल वायलेंस दलित वुमेन के साथ बहुत ज्यादा होते हैं रूरल एरियाज में बहुत ही ज्यादा और खासकर यूपी बिहार जैसे जगह में तो बहुत ही होता है तो अभी एक नैरेटिव ये चल रहा है कि लोग हथरस को बस एक इंडिविजुअल इंसिडेंट बनाना चाहते हैं बोथ आई मीन बोथ प्रोग्रेसिव पीपल ऑल्सो इवन जो अपर कास्ट कुछ uh, अपर कास्ट जो लोग है ठाकुर जो लोग है यूपी के सवरणा परिषद जो है हिंदू युवा बहिनी जो है या फिर जो हथरस के गांव के जो ठाकुर लोग हैं वो ये बोलना चाहते हैं कि ये सब पॉलिटिकल स्टंट है ऐसा नहीं हुआ है कल जो रिपोर्ट आया वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वहाँ के जो हेल्थ ऑफिशियल्स जो है वो बोल रहे हैं कि रेप हुआ ही नहीं है किसी ने उसका टंग को खींचा ही नहीं है तो वो अलग अलग नैरेटिव दे रहे हैं राइट right? और दूसरे साइड ये नैरेटिव चल रहा है कि जो अपर कास्ट एक प्रोग्रेसिव सेक्शन है कुछ वुमेन भी है वहां पे जो कि ये बोल रहे हैं कि ये तो एक सेक्सुअल वायलेंस का मामला है यहाँ पे तुम कास्ट क्यों ला रहे तो इसके opposite, opposite में बहुत सारे दलित विमेन एक्टिविस्ट ये बोल रहे हैं कि ये कास्ट रेप है कास्ट रेप तो उनका अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो एवरीडे विलेज लाइफ है यूपी में जो एवरीडे रूरल लाइफ है कि कौन पानी लेने जा सकता है कौन पब्लिक रोड एक्सेस कर सकता है किसके पास कितना जमीन है ये सब फैक्टर आ, कास्ट डिसाइड करती है और इस फैक्टर्स के वजह से ही एक दलित वीमेन बहुत वलरेबल सिचुएशन में रह जाती है कंपेयर टू अदर वन वहां पे ठाकुर का कभी ऐसे पब्लिकली ऐसे तो कभी नहीं होता है क्यों नहीं होता है क्योंकि वो उस तरीके से वल्लरेबल नहीं है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ठाकुर वीमेन का ठाकुर वुमेन को पेटेरियर की झेलना नहीं पड़ता है उसको भी झेलना पड़ता है बट जो इंटेंसिटी ऑफ मार्जिनलाइजेशन वलरेबिलिटी एक दलित वीमेन के साथ है बिकॉज ऑफ अवर कास्ट आइडेंटिटी वो एक ठाकुर के साथ नहीं है तो इसीलिए दलित विमेन जो बोल रहे हैं कि इसको हम लोग कास्ट हिस्ट्री के थ्रू देखना चाहिए और ये और ये एक, एक नहीं है ये ऐसा नहीं है कि कुछ इंडिविजुअल ने कर दिए ऐसा नहीं है उन इंडिविजुअल का एक कास्ट सोशल पावर है और ये हमको एक्नोलेज करना पड़ेगा और यूपी जैसे जगह में उत्तर प्रदेश में अपर कास्ट का पॉपुलेशन कंट्री में सबसे ज्यादा है मतलब नंबर देखा जाए तो ट्वेंटी परसेंट ठाकुर कुछ सात आठ परसेंट है और ठाकुरों का जो अभी जो पॉलिटिक्स है यूपी में ठाकुर बात बोलते हैं योगी जो है सीएम जो है योगी वो भी ठाकुर कम्युनिटी से पुलिस भी ठाकुर है जो हायर ऑफिशियल से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी ठाकुर है तो उनका हमेशा से एक डोमिनेंस रहा है दलितों के ऊपर एंड दे आर द यू नो बिगेस्ट लैंड ओनिंग कम्युनिटी उनके पास बहुत सारा जमीन है और इनके पॉलिटिक्स में भी बहुत यू लुकेट बीजेपी यू लुकेट अम समाजवादी पार्टी यू लुकेट uh, बड़े बड़े जो लीडर अमर सिंह हो गया आपका वीपी सिंह हो गया ऑफ कोर्स वीपी सिंह यू नो सोशल जस्टिस लीडर वो अलग बात है है बट बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर MLS जो ठाकुर कम्युनिटी से आते हैं तो इस सब में कास्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और सहारनपुर अगर हम लोग देखेंगे 2018 में जो हुआ था सहारनपुर में सहारनपुर में ठाकुरों ने ही जलाया था बोला था कि दलित लोग वेडिंग प्रोसेसन निकाल नहीं सकते घोड़ी पे चढ़ नहीं सकते या फिर अम्बेडकर जयंती मना नहीं सकते तो उन्होंने वायलेंस किया था तो हम लोगों को ये जो वायलेंस है इसको एक ट्रेजेक्टोरी के साथ देखना पड़ेगा एक हिस्ट्री के साथ देखना पड़ेगा तभी हम लोग डिमांड तभी हम लोग का डिमांड ये होगा कि एंड कास्ट बेस्ड सुप्रीमेसी जातिवाद का जो एक डोमिनेंस है उसको हम लोग को खत्म करना है सिर्फ हतरास के बारे में नहीं बोल रहे हम लोग हम जातिवाद को खत्म करना है हमको जो पुलिस सिस्टम है वहां पे उसको हम लोगों को क्या रिफॉर्म कर सकते हैं पॉलिसी लेवल पे क्या चेंज ला सकते हैं जहाँ पे कि दलित वुमेन को एक्सेस मिल सकता है कि वो अपने केस भी रजिस्टर कर पाए या फिर वो प्रोटेक्शन मिल पाए एक सोसाइटी में ये सब के ऊपर हम लोग को बात करना पड़ेगा सिर्फ हतरस के बारे में बात करने से कुछ नहीं होगा ये मेरा मानना है या सो ऑब्वियसली जो सुमित बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि जो जस्टिस की बात है तो इवन हमें पता है कि जस्टिस इससे पहले भी हमने बहुत सारे हमने ये किया है आ, हमने लड़ाई किया है बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हमने ऑर्गेनाइज किया है हमने रैली किए हैं और दिय हमने मतलब डेमोस्ट्रेशन भी दिए हमने दिए हैं हमने तो जब हम उसको रिविजिट करते हैं तो क्या हम उसको जस्टिस आ, हम दिला पाते हैं जो भी हमारे जो विक्टिम्स होते हैं जो भी कल्पित होते हैं उनको क्या हम सजा दे पाते हैं तो वो हमारे एक पास एक क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास और मैं एग्री करूंगा सुमित की बातों से कि जिस हिसाब से वहाँ पर एक डोमिनेशन है ठाकुर की तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से उनका एक डोमिनेशन चल रहा है वहाँ पर तो अभी मैं जीतू से बात करूंगा मैं जीतू से हम पूछेंगे कि इसको हम देखेंगे जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि ये ओवरऑल उड़ीसा सॉरी ये ओवरऑल इंडिया की बात है कि जब हम जो इंसिडेंट हम देखते हैं आज यूपी में हुआ है और इवन हम कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि ये और एक इंसिडेंट हो गया है तो इसको हम एक टाइप का एक देख सकते हैं कि जो मीडिया का जो नेगेटिव होता है इवन हम लोग हम लोग का भी नेगरटिव है अभी हम शुरू किए हमने एक इंसिडेंट शेयर कर दिया हमने जस्टिस पर मनीषा बोल के और वो हमारा इंसिडेंट चलता था दो दिन दो दिन के आस किए हमने नहीं पता कि वो कैसे हमारे पास आ जाता है ना तो हमारा जो जस्टिस पर मनीषा का भी इशू साइडलाइन हो जाता है फिर हम बोलने लग जाते हैं कि नहीं यहाँ पर एक इशू हुआ फिर और दूसरे टाइप पर इशू हुआ तो ऐसे ऐसे मल्टीपुल इंसिडेंट हो जाता है तो क्या हम जिस जस्टिस मनीषा पर हम लड़ाई करते थे तो फिर हम हाँ इस को डाइवर्ट नहीं हो जाते हैं क्या तो ये मेरा एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है वहां पर और सिमिलरली इंसिडेंट आज हथरस का केस हुआ हथरस में इवन uh, हम बोल सकते हैं कि कुछ दलित ऑर्गेनाइजेशन थे जो भीम आर्मी बोल सकते हैं चंद्रशेखर रावण चंद्रशेखर आजाद वहाँ पर लीड लिए उसको एड्रेस किए फिर मीडिया ने उसको दिखाया और दिखाने के बाद जिस हिसाब से एक नेशनल आउटरीच बना उसको तो ऐसे बहुत सारे एरिया भी है जैसे कि उड़ीसा के कॉन्टेस्ट में भी हम देख सकते हैं उड़ीसा में भी, भी ऐसे केसेस बहुत हुआ है इंसिडेंट हुआ है तो क्या उड़ीसा के जो केसेस है वो उतना आउटरीच मिलता है क्या मीडिया उतना हाईलाइट करता है क्या रीजनल मीडिया कितना दूर तक तो जा पाता है या यहाँ के लोकल ऑर्गेनाइजेशन या लोकल दलित ऑर्गेनाइजेशन कितना दूर तक तो उसको लेके जाते हैं तो फिर उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से हम डिटेल्स लिए समझेंगे जीतू से हम और हम उसको उनको पूछते हैं कि जीतू आप थोड़ा हमें ये बताइए कि जो हाथरस का इंसिडेंट है उसको आप कैसे देखते हैं और जो सुमित ने जो बोले तो सुमित के बातों से आपको क्या लगता है और उस हिसाब से जब आप आप कनेक्ट करते हैं उड़ीसा के कॉन्टेक्स्ट में उड़ीसा के जी जो इंसिडेंट जो वगैरह हुआ है तो उसको आप कैसे देखते हैं तो आपके बात उसके ऊपर थोड़ा रखिए रखिए ऑडियो ऑडियो ऑन कीजिए ज्योति और सभी को मेरा जय भीम और जिस प्रकार से जो ब्रुटालिटी और जो इम्प्यूनिटी जो ठाकुर कम्युनिटी का देखने को मिला है और ये जो ये जो ब्रुटालिटी है ये जो इम्प्यूनिटी है सबर्णा का इट इज नॉट मेयरली एज यू हैव ऑलरेडी इट नॉट मेयरली रिलेटेड टू पर्टिकुलर इंसिडेंट एज सच बट ये जो एक जैसा सुमित भी बोल रहा है कि एक एक सवर्ण सुप्रीमेसी जो है ये जो कास्ट सुप्रीमेसी है सवर्णों का वो इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है सोसाइटी में और खास करके जब हम यूपी यूपी का बात कर रहे हैं तो जो पावर डायनामिक है जो मोनोपोली जो जुडिशियरी है उसके बाद स्टेट मशीनरी है उसके बाद जो एक जो ठाकुर कम्युनिटी वो लैंड होल्डिंग भी जो कम्युनिटी जो है स्ट्रांग है तो एक जो एक, एक तो है कि सोसाइटी में आपका सवर्ण कम्युनिटी का एक इम्प्यूनिटी है तो, ज, तो एक ज, 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 जो जस्टिस है इज अ ड्रीम जो दलित है और एक तो है कि पहली बात तो है कि हमारे लिए इस देश में जस्टिस इज अ ड्रीम वो वो एक मतलब इट्स इट्स ट्रू दैट इट इज अ ड्रीम एंड इट इज वी आर फाइटिंग फॉर दैट जस्टिस व्हिच इज अ ड्रीम और एक और एक बात है कि जब हम जस्टिस का बात करते हैं तो जो स्टेट मशीनरी है जो स्टेट मशीनरी है सच एज पुलिस पुलिस है तो यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है जैसा हतरस का इंसिडेंट हुआ जो विक्टिम uh, uh, का बॉडी को वो फैमिली को भी वो रिटर्न नहीं करता है तो एक मतलब जो जस्टिस इट्सेल्फ इज काइंड ऑफ मतलब uh, जैसा सुमित बोल रहा है कि कैसे हम जस्टिस देखेंगे जस्टिस आ, मिलने से क्या जो मनीषा है वो वापस जिंदा हो जाएगी तो ये सवाल है मतलब हम किसको हम अभी ज, जस्टिस बोल रहे हैं और जो आउटरेज वाला जो सवाल है, है सोशल मीडिया में तो उसका डिफरेंट डायनामिक है एक तो है कि जो एक जो स्टेट स्पॉन्सर मीडिया किस कौन सा इंसिडेंट को कितना हवाला देता है कितना बढ़ावा देता है और जब हम इतना जो बढ़ावा जो इंसिडेंट को देखता है जब कोई दलित जब कोई आदिवासी मर जाता है उसका रेप होता है उसका मर्डर होता है और तभी जाके हम एक आउटरेज सोसाइटी में देखने को मिलता है और वो अक्रॉस जो लिबरल से लेके मार्सी से लेके फेमिनिस्ट तक हर कोई अगर जो पॉलिटिकल खेमा को देखेंगे तो एक मर जाने के बाद ही एक एक आउटरेज हो रहा है रेप होने के बाद एक एक, एक आउटरेज होता है लेकिन जब सोसाइटी को हम एनालाइज करते हैं जो कास्ट है जो अनटचेबिलिटी है हम उसको अभी भी एड्रेस नहीं की है तब जब अनटचेबिलिटी हम देखते हैं सोसाइटी में तो हाँ जब वो अनटचेबिलिटी है तो इस काइंड kind ऑफ of जो ब्रुटालिटी है जो जो बर्बरता है जो जाति का जो जो बर्बरता है जो इम्प्यूनिटी है जो फ्यूडल जो टेंडेंसी है वो दिखने को मिलेगा क्योंकि आपका जो जाति का मेंटालिटी आपको जो छुआछूत का मेंटालिटी आप हमने खत्म नहीं किया है इस सोसाइटी में और एक जो ये जो सोसाइटी है इट इज नॉट अभी देखेंगे तो ये अभी जो है पर्टिकुलर कम्युनिटी का बात करें ठाकुर का लेकिन इट इज पूरा जो एंटायर जो हिंदू सोसाइटी है अगर आप देखेंगे तो पूरा जो अनटचेबल कम्युनिटी है उसके खिलाफ है

हम किस प्रकार का जो एक जो एक सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन एक उसका बॉडी को एक एक सवर्णों ने जिस प्रकार से एक मतलब बनाया एक दलित बॉडी को तो ये इम्प्यूनिटी है मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं और हमारे खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता तो ये एक जो एक आइडिया है वो एक सोसाइटी में है जब अनटचेबल कम्युनिटी का और जब उड़ीसा का बात करते हैं तो मैं ये जो बात है मैं सिर्फ उड़ीसा का नहीं सिर्फ एग्जाम्पल देंगे कि में। में हुआ, हुआ जस्टिस का जो है एक ड्रीम होकर रह जाता है और जो जस्टिस बहुत दूर रहता है जो अभी भी वो जस्टिस नहीं मिल पाया है और उसके बाद, बाद रिसेंटली अगर आप अगर देखेंगे तो कास्ट का जो एट्रोसिटी है जैसा अभी खरजुरा जो सोनपुर डिस्ट्रिक्ट में खरजुरा जो डिस्ट्रिक्ट में जो जो ब्रुटालिटी हुआ पूरा पूरा जो उसमें तो सवर्ण है ही नहीं मिसिंग है उसमें पूरा ओबीसी कम्युनिटी आता है दलित कम्युनिटी को अटैक करने और उसके बाद आपका फिर बलंगीर डिस्ट्रिक्ट में एक सिमिलर इंसिडेंट होता है और सेम सेम जो है कि जो ओबीसी कम्युनिटी उसमें लोअर ओबीसी से लेके जो डोमिनेंट ओबीसी सब मिलके एट्रोसिटी होता है तो नेचर ऑफ जो डायनामिक है अः जो हम सोसाइटी को देखते हैं तो ये बिल्कुल जो एक जो जो अनटचेबल कम्युनिटी है जो घासी है जो चमार है जो डोम है जो ये ये जो जो कम्युनिटी है उसके खिलाफ एक हेट्रेड है एक हेट्रेड जो सोसाइटी जो हिंदू जो जो व्यवस्था ने बुना है वो जो जो हिंदू व्यवस्था का जो हेट्रेड है जो आइडियोलॉजी है जो आइडियोलॉजी वर्ण व्यवस्था का है कास्ट सिस्टम है वो इनग्रेन है लोगों के अंदर इसीलिए बाबा साहेब बोलते हैं कि हम हिंदू उन्नीस में बाबा साहेब बोलते हैं कि जो हिंदू हम हिंदू बन के जन्म हुए थे ये हमारे हाथ में नहीं था लेकिन हम हिंदू बन के रहेंगे नहीं तो जो जब बाबा साहब कॉन्वर्जन करते हैं 1956 में और आज हम 2020 में देखते हैं कि आज भी हमारा जो सोसाइटी जिस जिसके लिए बाबा साहब ज्योतिराव फुले से लेके बाबा साहब अंबेडकर से लेके कांशीराम तक जिसके खिलाफ लड़ते रहे आज वो वहीं आके हम रुक जाते हैं और फिर वहीं घूम फिर के वहीं आते हैं कि जस्टिस कहां मिलेगा इमानसिपेशन कहां है तो मतलब ये देखेंगे एक जो एक सीरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स हुआ हमारे जो पूर्वज ने लड़ा लेकिन वो जो डायनामिक है जो हिंदू सोशल ऑर्डर है जो जो एक Hindu, जो एक हिंदू सामाजिक व्यवस्था है वो वही का वही रह गया है तो हम इस जो एक जो हिंदू व्यवस्था में क्या हम सिर्फ नॉट ओनली हिंदू व्यवस्था एक लार्जर जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया है क्या इंडिया के अंदर एक दलित के लिए जस्टिस है ये आज एक लार्जर है ये एक सवाल पूछने का जरूरत है अगर हिस्ट्री में देखेंगे बाबा साहेब अम्बेडकर के टाइम से तो बाबा साहब जो जो लिए बहुत सारा एक जो आइडिया बहुत सारा जो लॉ है वो लेजिस्लेशन करके लाते हैं अनटचेबिलिटी के खिलाफ संविधान में लिखा जाता है और उसके बाद आपका एस सी एस सी एस टी एट्रोसिटी एक्ट एक भी आता है और बाबा साहेब बोलते हैं कि संविधान में अगर ये होता है उसके बाद कॉन्वर्जन बाद से साहब का आंदोलन देखते हैं तो पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बोल के बोलते हैं और जब दलित पेंथर का बात देखते हैं तो रिवोल्यूशन का बात करते हैं जो पॉलिटिकल रिवोल्यूशन और जो एक ब्लडी रिवोल्यूशन का बात करते हैं तो तीन जो तीन प्रकार का जो आंदोलन है हम मतलब फेमिलियर है कि ये एक आंदोलन हो सकता है जो 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 जातिगत जो अत्याचार है उसको हम एंड कर सकते हैं लेकिन हम देखते हैं तो ये जो एक तीन प्रकार का स्टेज से हम अभी उभर चुके हैं फिर भी जो कास्ट जो एट्रोसिटी है जो जातिवाद का जो बरबरता है जो दलितों के खिलाफ जो है वो इंटेक्ट रहता है सोसाइटी में डिस्पाइट ऑफ कमिंग टू पोलिटिकल पावर इन सबसिक्वेंट इस इन उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में हमारा सरकार बार बार आता है है उसके बाद भी अगर उस जो, जो सोशल ऑर्डर का डायनामिक अगर देखेंगे तो परिवर्तन नहीं होता है तो क्या इस सोशल ऑर्डर में या फिर ये जो सोकल इंडियन का जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर दलितों के लिए जस्टिस है ये बड़ा सवाल है जो हमको पूछने का जरूरत है और एक जो बाबा साहब बोले थे मैं बताऊंगा कि जस्टिस जस्टिस, जस्टिस एज लॉन्ग एज वी स्टे विद इन विद इन द एरीफेरी ऑफ हिंदू देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ जस्टिस जब तक हम लोग हिंदू कम्युनिटी के आसपास रहते हैं तो जो जो जातिगत अत्याचार जो छुआछूत है वो पहले भी था और वो जारी रहेगा उसको कंट्रोल उसको कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते हैं जो एट्रोसिटी अगर हम मिलिटेंट रिवोल्यूशन का भी बात करते हैं तो एक एक तो इमीडिएट हमारा जो एक सवाल है कि हर गांव में दलित को मतलब आर्म आर्म करने का जरूरत है अपने जो सेल्फ डिफेंस है उसको स्ट्रोंग करने का जरूरत है क्योंकि हर एक गाँव में दलित एक माइनोरिटी है अगर और जब तक एक दलित माइनॉरिटी कोई गांव में रहेगा तो वो किसी भी किसी भी टाइम पे उसको उसके उसके खिलाफ अटैक हो सकता है किसी भी टाइम पे उसको उसको उसका लिंचिंग हो सकता है उसका गांव जलाया जा सकता है जो वो बार बार हम उड़ीसा के कॉन्टेक्स में देख सकते हैं बहुत बहुत बार आ, दलितों का घर दलितों का बस्ती जलाया गया है दलितों को बुरी तरह से मर्डर किया है किया गया है। वो हर कि, एक तो है कि आप इसलिए बाबा साहेब बोले थे कि सेपरेट सेटलमेंट का आइडिया दिए थे तो सेपरेट सेटलमेंट का अब, जो है डिबेट वो हो, होने का जरूरत है और एक है कि एक तो आपका तो मेरे हिसाब से अगर आ, देखेंगे तो जो जो जस्टिस का जो नोशन है जो जस्टिस का आइडिया है तो हम उसके खिलाफ हर हर बार हम लड़ाई करते हैं हर बार प्रोटेस्ट करते हैं जब भी कोई इंसिडेंट होता है लेकिन वो एट द एंड फिर से वही एट्रोसिटी होता है तो इसीलिए जो सवाल है वो लार्जर सवाल है क्या इंडिया में दलितों के लिए कोई जगह है इसलिए बाबा साहब जब बोलते हैं कि आई हैव नो होम होमलैंड गांधी जी तो वो वो जो एक डिबेट है जो दलित नेशनलिटी है दलित नेशनलिज्म है वो उस उस डिबेट को आगे लेके आने का जरूरत है और हो सके तो जो सेपरेट सेटलमेंट का भी, आ, 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 का भी लेके आने जरूरत है क्योंकि आप हर गांव में माइनॉरिटी है जो दलित का जो पॉपुलेशन है हर गांव में माइनॉरिटी है और इसके वजह से वो वॉलरेबल है कोई भी पावर में पहुंच जाए कोई भी पोजिशन में पहुंच जाए तो वो अनटचेबल एट द एंड अनटचेबल होता है तो इस प्रकार का जो एक कास्ट का जो सेक्सुअल दिखने को मिलता है क्या जो को को दिखने मिलता को है दलितों को नंगे घुमाया जाता है सड़कों पे गांव में उनको उनको उनके ऊपर मोह दिया जाता है उनको उ, मतलब बहुत सारा जो जिस प्रकार का सा एट्रोसिटी जो है वो दिखने को मिलता है तो ये जो एक नॉन स्टॉपेबल जो एट्रोसिटी है डिस्पाइट ऑफ हैविंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड वी आर लाइक सच एन और आज का जो समय में जिस प्रकार का जो एक पॉलिटिकल माहौल है जो पॉलिटिकल माहौल है जो जो एक जो फासिस्ट जो ब्राह्मणी जो एक रिवाइवलिज्म अभी चल रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन विरोध में भी चल रहा है तो यूपी का जो गवर्नमेंट में देखेंगे तो जो योगी आदित्यनाथ का सरकार है वो जो मनुवाद को एस्टेब्लिश करना चाहता है तो इसी टाइम पे एक लार्जर जो एक स्ट्रगल का जरूरत है और एक डिबेट शिफ्ट होने का जरूरत है एक और एक बड़ा डिबेट आने का जरूरत है बिल्कुल जीतू बिल्कुल जीतू तो, जो आपने वो बोले अभी अच्छे तरह से बताइए और जरूरी कि मतलब अगर हम अच्छे से देखते हैं तो जिस हिसाब से एट्रोसिटी बढ़ रहा है हमारे खिलाफ में बढ़ रही बढ़ रहा है हम ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि हम अगर हम देखेंगे केसेस वगैरह को तो पहले से ही हमारे साथ इनजस्टिस होते आ रहा है दलितों के खिलाफ बट बात डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि अभी केसेस वगैरह रजिस्टर हो रहा है इवन

हम एक अच्छी तरह से हम उसको दर्जा दे सकते हैं कि आज उसी की वजह से हम एक आउटरीच हम ले पा रहे हैं तो आगे yes, जाके मैं एक, ये... एक बात ऐड करना चाहूंगा राजेश सॉरी जो एक हम देखते हैं कि आज जिस प्रकार से जो मनीषा का केस हुआ उसको लेके एक नेशनल आउटरीच हुआ है और वो एक, एक इंटरनेशनल मीडिया में भी उसका अटेंशन आया है लेकिन हम जब उसको ही एक, उसको जब जो सोशल मीडिया मीडिया आउटरीच को हम एनालाइज करते हैं तो वो ये जो सोशल मीडिया आउटरेज है वो जो ग्राउंड रियलिटी में तब्दील नहीं हो पाता है और ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज क्या है कि लोग जो एक जो वर्चुअल वर्ल्ड में है लेकिन वो वर्चुअल वर्ल्ड का जो एंगर है जो एंगर है लोगों में जो जो वो एंगर जब तक सड़कों में नहीं दिखेगा वो जो जब तक वो जो एंगर है एनेलेशन ऑफ कास्ट का जो आईडिया है या फिर जो अनटचेबल ऑफ अनटचेबिलिटी का आईडिया है उसको लेके हम अगर आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो ग्राउंड रियलिटी में तब्दील नहीं होगा तब तक तो इस प्रकार का जो आउटरीच भी जो है वो हमको उतना हेल्पफुल नहीं हो पाया हो पाएगा जो आज दिख रहा है और एक लार्जर जो एक पब्लिक है वो जो अपना कॉन्साइंस को है रखने के लिए अरे कुछ तो हुआ है तो शेयर करता है तो लेकिन उस वो एंगर वो एंगर को एक पॉलिटिकल एक्शन में वो तब्दील होने का जरूरत है वो पॉलिटिकल एक्शन रेडिकल होने का जरूरत है और वो एक्शन में तब्दील होके चेंज वो, वो सोसाइटी को चेंज करने का जरूरत है और एल्स कि वो जो एंगर है वो हर इंसिडेंट में एंगर होगा लेकिन वो मतलब एक रियलिटी एक मेटेरियल रियलिटी में तब्दील नहीं होगा yeah. बिल्कुल ये वाला चीज को मैं आगे बढ़ा कि मैं सुमित से आ, सुनना चाहता हूँ हिंदू संगठन का जब बात आता है तो जब किसी क्या इंसिडेंट होता है या जो या लड़की या ठाकुर लड़की लोगों के खिलाफ जब कोई मतलब एक्शन होता है या होता है ये वे में अभी आप देखे होंगे कि कहीं ना ब्राह्मीण विकास दुबे या जो भी जिनके साथ एनकाउंटर हुआ था या बहुत सारे केसेस होता है तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हिंदू संगठन वगैरह जो होता है ना वो अवडेज करते हैं और वो आउटरीच से करते हैं कि हमारे हिंदू संगठन का जब हम पालघर का इंसिडेंट देखते हैं तो पालघर में क्या होता है ना कि जो कुछ साधु होते हैं वो साधु को मारा जाता है या वहां पर जो फाइट होता है तो उसके बाद जो मीडिया ट्रायल चलता है कि हिंदू हिंदू साधुओं को मारा गया या हिंदू संगठन के लोगों को मारा गया है तो यहाँ पर क्यों नहीं बोल रहे हैं कोई तो जब ये वाला बात आता है और इवन जब हम मनीषा की बात हम सुनने के लिए हम आते हैं कि इसी केसेस को इवन सिर्फ हाथरस नहीं हम दूसरे केसेस भी जब हम देखते हैं तो जब भी दलित लेकिन हम दलित हम, हम हम हमें तो लगता है कि हिंदू में हिंदू में दलित नहीं आते पर जब कोई दलित ऑर्गेनाइजेशन या दलित संगठन जब क्लेम करते हैं कि दलित लोग हिंदू में आते हैं और उनके हम सेफ गार्डियन है जो आर एस एस होता है या जो बी एच पी होता है या बजरंग दल होता है या जो भी अपकाश के जो लोग होते हैं जब ये लोग बोलते हैं कि दलित हमारे भाई और बहने हैं या हमारे फैमिली में आते हैं या हिंदू में आते हैं तो तब अब सुमित आप कैसे देखते हैं कि जहां पर अलग से ट्रीटमेंट किया जाता है तो जब केसेस होता है इंसिडेंट होता है उसी टाइम पर जो दलित लड़की या दलित लोगों को साइडलाइन किया जाता है वहां पर हिंदू के हिसाब से वो माना नहीं जाता है कि यहाँ पर भी नहीं देखा जा रहा है कि एक आउटरेज नहीं आ रहा है हिंदू संगठन पर हिंदू भी थी उसीज नहीं आ रहा है कि आप कैसे देखते हैं और इसको आप किस हिसाब से आप आ, डिस्कस में लाना चाहेंगे चाहेंगे कि क्यों ये साइलेंट होता है और खास करके हमें उन लोगों को बताना चाहिए जो दलित है और जो अपने खुद को प्राउड करते हैं कि हम एक हिंदू है हिंदू हैं बोल के और आजकल भी बहुत लोग हैं जो दलित हैं जो लोग आप अपने खुद को प्राउड फील करते हैं कि हम हिंदू हैं बोल के तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे इसी इंसिडेंट को लेके सुमित हाँ, आवाज ऑडियो ऑन कीजिए आवाज आ रही है मेरा भी? या, या, अभी आ रहा है तो पहली बात तो ये है कि हमारे लोग जो भी है खुद को हिंदू बोलते हैं गांव में उसको हम लोग को इस तरीके से समझना पड़ेगा क्योंकि गांव में बहुत स्टिग्मा होता है कास्ट को लेके जैसे मैं अगर बोल दूं साउथ ओडिशा में कोरापुट में गांव में अगर डोम मतलब लोग बोलते हैं कि डोम डुमा वर्ड से आया हुआ है डुमा मतलब डेविल स्पिरिट लोगों को ऐसा लगता है तो एक स्टिग्मा है तो तुम कहीं भी चले जाओ इंडिया दलित का जो कास्ट आइडेंटिटी होता है उसके साथ बहुत सारा स्टिग्मा जुड़ा हुआ होता है इसीलिए दलित लोग क्या करते हैं कि जो भी इमीडिएट एक्सेप्टेबल आइडेंटिटी होता है उसको वो लोग एक्वायर करने की कोशिश करते हैं तो इसीलिए कभी कभी खुद को हरिजन बोल देते हैं कभी कभी खुद को हिंदू बोल देते हैं कभी कभी कोई अगर सेक्ट है कोई लोकल फेथ सिस्टम है उसके साथ खुद को जोड़ देते हैं तो उस तो उनका जो है इट इज मोस्टली सुपरफिशियल एक्सटर्नल एक्विजिशन ऑफ आइडेंटिटी वो हिंदू खुद को बोल देने से कोई मेटेरियली उनका लाइफ चेंज नहीं होता है ना उनको सोशल पावर मिलता है ना उनको एजुकेशन मिलता है ना उनको लैंड मिलता है तो ये हमको डिफरेंशियट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे जो अकेडेमिशियन uh, है जो प्रोग्रेसिव एकेडमिक्स के लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि अरे देखो दलित भी तो हिंदू है तो अगर दलित भी हिंदू है और ब्राह्मण भी हिंदू है तो एक दूसरे के प्रति समान क्यों नहीं है और बाबा साहेब तो बोलते हैं कि हिंदू सोसाइटी इज ए मिथ इट इज ओनली अ कलेक्शन ऑफ कास्ट एवरी कास्ट हैज इट्स ओन कॉन्शियसनेस एंड कास्ट नॉट इवन फॉर्म ए फेडरेशन तो बाबा साहेब का जो बात है वो हमेशा सच होता है सिर्फ कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स हिंदू के लिए नहीं इवन प्रोग्रेसिव अभी अगर देखोगे हतरस के इंसिडेंट के बाद हर कोई पूछ रहा है दलित लीडर कहाँ पे ठीक है थीके? तो इसका मतलब ये है कि दलितों का क्वेश्चन सिर्फ दलित दलितों का क्वेश्चन दलितों का अगर पीड़ा होगा तो सिर्फ दलित लीडर ही करेगा उसके लिए काम हम लोग हैं नहीं तो वो लोग बहुत उनका सवाल क्या है वो कभी पूछेंगे नहीं कि ठाकुर लीडर कहाँ पे है ब्राह्मण लीडर कहाँ पे है वुमेन लीडर कहाँ पे ये नहीं पूछेंगे पूछेंगे दलित लीडर कहाँ पे है तो लाला लजपत राय जो कांग्रेस के जो लीडर है अराउंड नाइनटीन हंड्रेड के टाइम पे उन्होंने ये बोला था कि अनटचेबल्स आर विथ अस बट दे आर नॉट ऑफ अस इसका मतलब ये हुआ कि जो दलित लोग है वो हमारे साथ है लेकिन वो हमसे नहीं है ठीक है तो ये हमको समझना पड़ेगा तो ये पहली बात मतलब ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि हमको वो लोग अपने नहीं मानते हैं ये हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो कॉन्शियस जो लोग हैं क्योंकि हर बार कुछ होता है तो बोलते हैं दलित लीडर कहाँ पे ठीक है तो ये एक समझना पड़ेगा दूसरा चीज जो आपने बोला कि जो हिंदू बोल के कुछ कॉन्शियसनेस है नहीं हिंदू कॉन्शियसनेस कब आता है जब इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है इंडिया पाकिस्तान के बीच वार होता है या फिर कहीं मुसलमानों के खिलाफ अगर अपर का सिंधुओं को दंगा भड़काना है तो तब उनको हिंदू याद आता है ये एक पैटर्न है ये पैटर्न हमको नोटिस करना पड़ेगा जब भी कहीं पे कोई मुस्लिम इंडिविजुअल के साथ कुछ भी इंसिडेंट बन जाता है तो अपर का सिंधु क्या करते हैं फटाफट बोलते हैं क्या क्यारे देखो ये तो तुम्हारे अगेंस्ट में है तो इनका क्या है कि दलित शुड फाइट अगेंस्ट मुस्लिम सो दैट हमारा जो वर्चस्व है हमारा जो डोमिनेंस है वो बने रहे तो ये हमेशा करते रहते ये एक पैटर्न हमको समझना पड़ेगा ठीक है और लास्ट पॉइंट में यहाँ पे बोलना चाहूंगा जीतू ने भी बोला था कि हम लोग ये सवाल को कैसे समझे कि क्या आंसर क्या हो सकता है दलित मूवमेंट के लिए क्या हम लोग पुलिस में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल जाने से क्या हम लोग का सवाल सही हो जाएगा आ, क्या हम लोग ऐसे स्थिति में हैं क्योंकि अभी तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है नहीं अभी तो फर्स्ट पोस्ट अफ पास सिस्टम इलेक्ट्रोल मतलब इलेक्ट्रोल मतलब ये जो है इलेक्ट्रोल सिस्टम चल रहा है तो क्या हम अपने बलबूते पे पॉलिटिकल पावर में आ सकते हैं नहीं आ सकते यूपी में तुम आ सकते हो गुजरात में तुम अकेले दम पे पॉलिटिकल पावर नहीं आ सकते तुम्हारा पॉपुलेशन बहुत कम है और फिर बहुत सारे स्टेट है जहां पे दलितों का पॉपुलेशन कम है और तो खुद के बलबूते पे पॉलिटिकल पावर नहीं आ सकता है लेकिन ये भी हम लोग को समझना पड़ेगा कि जैसे आ, नेशन वाइड तो खुद के बलबूते पे पॉलिटिकल पावर पे हम लोग नहीं आ सकते कभी भी नहीं आ सकते ये समझना पड़ेगा ठीक है लेकिन गांव में क्या होता है जैसे जीतू ने बोला कि गांव में दलित हमेशा माइनोरिटी में रह जाता है ठीक है और जो अपर कास्ट के लिए दलित है वो बाकी सबके लिए भी दलित बन जाता है ये हम लोग को समझना पड़ेगा ये इलेक्शन में भी ऐसे ही होता है ठीक है अगर तुम दलित पार्टी खड़ा करते हो तो हर किसी अपर कास्ट एक ऐसा नेगेटिव क्रिएट कर देता है कि ये लोग दलित है ये सबसे नीचे है तो सिर्फ अपर कास्ट ही तुम्हें वोट नहीं कर रहा है जो बीच वाले जो कास्ट है वो भी तुम्हें नीचे मानते हैं इसलिए वो भी तुम्हें वोट नहीं करते वो साइड मार देते हैं तो इलेक्शंस में भी नहीं वो गांव में भी ऐसा ही होता है कोई अगर अपर कास्ट तुम्हें मारने के लिए आएगा तो कोई बीच वाला कास्ट भी तुम्हारे सपोर्ट में नहीं आएगा क्योंकि उसके लिए भी तुम दलित हो ये हम लोग को सोचना पड़ेगा कि दलित मूवमेंट को ये चीजों को कैसे एड्रेस करना पड़ेगा ये एक दूसरा बात तीसरा बात होगा कि जस्टिस सिस्टम हमारे जुडिशियरी में कॉलेजियम सिस्टम चलता है जिसके द्वारा की की बात होती ही नहीं अपर कास्ट ही भरे पड़े हैं अपर कास्ट ही भरे पड़े हैं राइट और अपर कास्ट ही भरे पड़े तो हम लोग जस्टिस कैसे मांग सकते हैं इवन जो लोकल जो पुलिस स्टेशन में जो मतलब ग्रीवेंस सेल जो रखते हैं कि एस सी मतलब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट रजिस्टर करने के लिए उसमें भी लोकल पॉलिटिक्स लोकल जो जो गवर्नेंस है तहसीलदार है बी है कलेक्टर है ये सब लोग प्रेशर बनाते हैं कि तुम अपना केस वापस कर दो तो ये दलित मूवमेंट के लिए सोचना पड़ेगा जीतू भी जो बोल रहा है कि हमारा सोशल मीडिया का आउटरेज क्या ग्राउंड पे उतर सकता है और ये सवाल सिर्फ हतरस इंसिडेंट के लिए नहीं है और बाबा साहब ने बोला था ये कि कि तुम लॉ तुम कुछ भी बना दो तुम लॉ पे कुछ भी लिख दो जब तक सोसाइटी का conscience, जो conscience है सोसाइटी का जब तक वो एंटी कास्ट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता और इसीलिए कास्ट को खत्म करने का जो ये है वो लीगल मेथड के लिए नहीं है एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ है ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सारे प्रोविजन है हमारे लिए लेकिन क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो पाता इसीलिए इंप्लीमेंट नहीं हो पाता क्योंकि ये जो सिस्टम है सिस्टम को ही चाहे जुडिशियरी सिस्टम हो चाहे पुलिस सिस्टम हो चाहे लोकल पॉलिटिक्स हो ये सिस्टम को ही इन लोगों ने एक नेक्सस बना दिया है जिसके अंदर हम लोग फंसे हुए हैं हर इंसिडेंट के बाद हम लोग सड़क पे आते हैं हर इंसिडेंट के बाद हम लोग सड़क पे आते हैं चाहे ऊना हो गया चाहे रोहित बंगला हो गया चाहे एससी एस टी प्रोवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट डायल्यूशन वाला हो गया हर बार सड़क पे आते हैं कुछ दिन गुस्सा करते हैं प्रोटेस्ट करते हैं फिर वापस चले जाते हैं क्योंकि हमारे पास एक क्लियर कट नहीं है आगे जाने के लिए यही सबसे right, right, सुमित तो ने इसको लाइट मतलब आगे लेके आया तो मैं इसके ऊपर ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि हम इन फास्ट अगर हम देखते हैं मीडिया देखते हैं तो मीडिया में क्या होता है कि हम सभी को पता है कि मीडिया में रिप्रेजेंटेशन किसका है जो कम्युनिटी है जो अपकास्ट के जो एंकर सभी मीडिया में हैं और अभी हमें अगर कुछ पता है भी तो हम अगर हम अगर जानने के लिए चाहते हैं तो हमारे पास जो कुछ मीडिया है वो मीडिया ऑलरेडी गवर्नमेंट के जो स्पीकर हैं उनके हिसाब से काम करते हैं और नव गौ समय हो गया जो रिपब्लिक टीवी के होते हैं या जो टाइम्स नाव के होते हैं या बाकी जी न्यूज के होते हैं ये जो सारे न्यूज चैनल क्या होता है ना कि इवन जितना भी न्यूज चैनल सभी लोग बिक गए हैं और ये जो पर्टिकुलर जो आइडियोलॉजी है पर्टिकुलर जो आर एस एस का आइडियोलॉजी है उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं और ये बीजेपी के प्रवक्ता बन गए हैं तो ये तो हो गया ये लोग पूरा ही के ये हमारे जो इंसिडेंट होता है उसको दिखाएंगे नहीं है और दूसरे दूसरे साइड पर मीडिया में ये रहा कि जो के जो एंकर्स रहते हैं या जो पैनलिस्ट रहते हैं तो वो लोग उनके बायसनेस बोले आ, दलित के खिलाफ अगर इंसिडेंट होता है जैसे कि अगर मैं एक आ, एक न्यूज डिबेट देख रहा था तो वहां पर ये क्या कहा जा रहा है कि मतलब चंद्रशेखर आजाद वहां पर चला गया तो वो एक राइटर है ये दिल्ली दिल्ली के जो दंगे में वो फंसा हुआ था और उसका अभी चल रहा है तो वो एक राइटर है तो उसको मैं बिलीव नहीं कर सकता वो क्यों ये लड़ाई कर रहा है तो हर टाइम क्या होता है ना कि जो कास्ट के लोग हर टाइम क्वेश्चंस दलित के ऊपर ले आते हैं दलित के लीडर्स के ऊपर ले आते हैं तो क्या होता है ना कि पैनलिस्ट भी आप देखेंगे आजकल के आप डिबेट भी देखेंगे बहुत जगह पर क्या होता है कि जो के जो पैनलिस्ट होते हैं या जो एक्सपर्ट रहते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं या जो आपके जो एक एक पोलिटिकल डिफरेंट का तो वो लोग दलित के बारे में बोलेंगे वो लोग अपर कास्ट के आएंगे पर वो दलित के बारे में बोलेंगे और दलित का एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है की मीडिया मीडिया क्या करता है कि वो ऑलरेडी उसके पास एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप है जो अपर कास्ट से डोमिनेशन है और वो हमारा इशू उठा रहा है और वो हमारे इशू ज्यादातर टाइम तक तो नहीं उठाता है क्योंकि उसके पास डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारे इशूज रहता है और गवर्नमेंट के पास भी डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारे इशूज रहता है जैसे कि अगर अभी अभी अगर हाथरस का केस हो गया अभी आपको पता होगा कि बाबरी का बाबरी मस्जिद का ये भी डिबेट भी आ गया उसका रिजल्ट भी आ गया कि बाबरी मस्जिद किसी ने भी उसको तोड़ा नहीं था तो अभी ये भी हो सकता है कि जा मीडिया जस्टिस पर मनीषा को साइडलाइन करके वो लोग बाबरी मस्जिद के बारे में पीछे पड़ जाएंगे तो ये हमारा साइडलाइन हो जाता है narratives. तो इसके बाद हमें सोचना पड़ेगा कि हम जिस मीडिया को हम देखते हैं जिस डोमिनेशन वाला मीडिया को देखते हैं तो क्या हम उनके पास एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या क्या उनके पास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे जो वॉयस है वो उनके पास पहुंच सकता है क्या बोल के ये एक एक पॉइंट रहा सेकंड पॉइंट ये मेरा रहा कि जो हमारा जो सिस्टम्स है जो स्टेट मशीनरी है जो पोलिस सिस्टम है पोलिस सिस्टम में ये होता है कि हमें सभी को पता है कि जो पॉलिटिकल जो पावर रहता है पॉलिटिशियन जो पावर में रहते हैं सीएम रहते हैं या जो अपने डेपुटी सीएम रहते हैं जी या जो हमारे होम मिनिस्टर रहते हैं तो उनके हाथ में सब कुछ रहता है और पुलिस सिर्फ एक सरकारी नौकर बन के रह जाता है जो भी डिमांड आएगा सीएम से या डेप्यूटी सीएम से या इवन होम मिनिस्टर से उनके हिसाब से अकॉर्डिंगली वो काम करेंगे पर हमें भी ये पता हुआ है कि जब भी हम रजिस्टर करने जाते हैं एफ और कुछ भी केसेस को हम लेके जाते हैं पुलिस स्टेशन पर वहाँ पर कास्ट बाइसनेस रहता है वो लोग सेंसिटिव नहीं रहते हैं केसेस को लेके तो वहाँ पर वो पहले से हमारे एफ करने हम तो कर ही नहीं पाते हैं मतलब करने से पहले ही हमें डिमोटिवेट कर दिया जाता है हमें डराया जाता है कि ये ठाकुर हमें मारेंगे या ये लोग हमारे ऊपर हम केस कर देंगे ये बड़े लोग हैं ये अपर कास्ट के लोग हैं ये डोमिनेशन कर देंगे बोल के तो हमारा एफ भी हो नहीं पाता क्योंकि वहाँ पर भी हमारे जो पॉपुलेशन है बहुत कम है तो वहाँ पर अपर कास्ट का जो रिप्रेजेंटेशन भी पुलिस स्टेशन में ज्यादातर है थर्ड ये रहा कि जो हमारा पॉलिटिशियंस है पॉलिटिशियन से पावर जो बोलते हैं पावर में भी वो लोग हैं तो मुझे तो समझ में नहीं आता है कि जब हम कोई भी ऐसे सीता है इंसिडेंट होता है हम उसी पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस या जो सीएम के पास हम जाके एक टाइप का हम भीख मांगते हैं कि हमें हमारे जस्टिस दो बोल के तो मुझे समझ में यहाँ पर नहीं आता है कि हम एक ऑपरेस्ट के पास ऑपरेशन सॉरी ऑपरेशन के पास हम जाके हम उनको भीख मांगते हैं कि हमें जस्टिस दो तो वहां पर कितना दूर तक वो हमें देगा जस्टिस मुझे समझ में नहीं आता और हम जब प्रोटेस्ट करते हैं या हम उनको हम कुछ मेमोरेंडम देते हैं तो ये सब चीजें हमें समझना पड़ेगा तो मैं ये आ, आप दोनों को पूछना चाहता हूँ सुमित एंड जीतू को कि हमारे जो एक्सपेक्टेशन है हम जब देख के आते हैं कि हम अपकास्ट से कुछ एक्सपेक्टेशन हम रख ही नहीं रहे हैं कि हम हमें रखना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास उनको पास और भरोसा ही नहीं है कि वो हमारे कुछ भी इशू को आगे लेके जाए कि या जो भी पोलिस स्टेशन में अपोकास्ट बैठे हुए हैं या मीडिया में बैठे हुए हैं इवन पॉलिटिशियंस में पावर में बैठे हुए हैं तो उनके पास हमारा कुछ भी लेकिन हम हमारा कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है तो अगर मेरा ये क्वेश्चन से है कि हम सभी का अगर एक्सपेक्टेशन नहीं है अपर कास्ट के ऊपर मीडिया हो या जितना भी मशीनरी है प्राइवेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या स्टेट मशीनरी हो जुडिशियरी मशीनरी हो क्योंकि जुडिशियरी में भी कुछ कहा नहीं जा सकता कब क्या होगा जैसे कि एस सी एस टी का डायलिजन किया गया था तो हमें कुछ भरोसा ही नहीं है तो जब इन सभी के पास हमारे पास कुछ भरोसा नहीं है हम भरोसा रख नहीं सकते तो हम आगे हमारे मोमेंट को कैसे लेके जाए या इतना सारे जो इंसिडेंट्स हो रहा है इसको हम कैसे लेके जाए विदाउट द सपोर्ट ऑफ अपल सो दैट वी हैव टू फाइंड आउट ए आंसर एंड

जो हमारा जो एक प्रोटेस्ट है हमारा एक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन है ये बेसिकली टू मेक अकाउंटेबल जो सरकार है उसको अकाउंटेबल बनाने का एक प्रक्रिया है क्योंकि अगर आपका सरकार का कंपोजिशन सवर्ण होगा तो वो सवर्ण मैनिफेस्टेशन दिखाएगा उसको सवर्ण कैरेक्टरिस्टिक वो जाहिर सी बात है दिखाएगा और वो दिख रहा है वो सालों से दिख रहा है तो उसको अकाउंटेबल करने के लिए एक प्रोटेस्ट एक माध्यम है और वो एक ये ये एक जो माध्यम है वो कंटिन्यू रहने का जरूरत है एज लॉन्ग एज वी आर स्टेइंग विद इन द स्टेट फ्रेमवर्क और जैसा एक जो एक मीडिया का जो एक कैरेक्टर है मीडिया में आज भी जो एक मोनोपोली है उस मोनोपोली के खिलाफ एक लड़ाई करने का जरूरत है ना ये सिर्फ ना केवल मीडिया का बात है जितना भी जो सरकारी संस्था है जितना भी स्टेट अपरेटस है जितना भी स्टेट मशीनरी है वो वो हर जगह में जो स्वर्ण का मोनोपोली है जो ब्राह्मणों का मोनोपोली है उसको खत्म करने का जरूरत है और जब तक ये ब्राह्मणों का कब्जा रहेगा स्टेट स्टेट मशीनरी में तब तक हमारा जो ना ना जस्टिस का सर्व हो पाएगा ना ना इक्वालिटी का हम बात कर पाएंगे इसलिए जो ये इट इज नॉट ओनली रिप्रेजेंटेशन इट इज ये बात, बात पोलिस इंस्टीट्यूशन का जो पोलिस इंस्टीट्यूशन इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल इंस्टीट्यूशन इन 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 टाइम और जो जिस प्रकार का रेजिम आज बीजेपी सरकार है न केवल बीजेपी सरकार है कोई भी सरकार हो पुलिस इज अ इंस्टीट्यूशन टू मेंटेन द पावर डायनामिक इन अ गिवन सोसाइटी और ये जो एक तो है कि लॉ एंड ऑर्डर का बात लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का बात तभी बोला जाता है जब उसमें कोई ऑप्रेस्ड तबका का लोग कहीं पे इन्वॉल्व होता है तो हमेशा फ्रेम जो होता है जो लॉ एंड ऑर्डर जो सिस्टम है हमेशा कौन फ्रेम होता है इट इज द ऑप्रेस्ड ये जो दलित दलित आदिवासी ओबीसी का जो तबका है माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी का लोगों को फ्रेम किया जाता है ये जो जो सारा सिस्टम में और इसीलिए जो ये एनसीआरबी का जो एक डाटा जो कहा जाता है कि जेल में जो जेल में नाइनटी परसेंट से ज्यादा जो जो जिसका लोग है वो है एस सी ओबीसी एस सी और मुस्लिम uh, माइनॉरिटी तो एक जो एक हाँ, पुलिस इंस्टीट्यूशन का बात करेंगे जस्टिस का का बात करेंगे, का बात करेंगे करेंगे स्टेट मशीनरी तो हमेशा ये जो है है ऑपरेस्ट के खिलाफ ही काम करता है। अगर उत्तर प्रदेश का ही बात कर ले, तो फूलन देवी का बात सभी को याद है तो फूलन देवी के खिलाफ जैसे सेक्सुअल वायलेंस होता है कास्ट वायलेंस होता है फ्यूडलिज्म का जो एक जो बर्बर का रूप जो है वो दिखने को मिलता है और फूलन देवी उसके खिलाफ लड़ता है लेकिन जो 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 फ्यूडल कम्युनिटी का लोग थे जो अपर कास्ट कम्युनिटी का लोग थे उसको गवर्नमेंट अरेस्ट नहीं करता है यूपी पुलिस अरेस्ट नहीं करता है लेकिन फूलन देवी को अरेस्ट करता है जेल में रखता है नॉट ओनली वो नहीं वो पुलिस वो स्टेशन में उसका बलात्कार किया जाता है वो पुलिस करता है तो एक जो एक देखेंगे कि स्टेट जो एक हमारा एक जो एक, एक है कि डेमोक्रेटिक आइडिया ऑफ स्टेट है कि हमारा एक मिनिमम बिलीव है हमारा एक मिनिमम बिलीव है कि स्टेट हमको जस्टिस देगा लेकिन जब हम स्टेट इंस्टीट्यूशन का बात करते हैं स्टेट इंस्टीट्यूशन का एनालिसिस करते हैं तब देखते हैं कि जो जो पुलिस इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ इज करप्टेड और जिस प्रकार से पावर दिया है पुलिस इंस्टीट्यूशन को और जिस प्रकार का जो डकोनन जो लॉ आया है उसमें हमेशा दलित फंसता है आदिवासी फंसता है और मुस्लिम कम्युनिटी का लोग है वो फंसता है तो एक जो एक जो एक लार्जर पावर डायनामिक को हम अगर नहीं चैलेंज करेंगे तो एक इंडिया में क्या है कि जो पावर डायनामिक का किस प्रकार का चेंज हुआ है आप अंग्रेज के शासन आया ब्राह्मणों ने सवर्णों ने मिलकर शासन किया अंग्रेजों के साथ जब यहाँ से पावर डायनामिक शिफ्ट होता है तो जो पावर डायनामिक जब शिफ्ट होता है आपका तो वही सवर्णों के हाथ में पावर आता है ब्राह्मणों को हाथ में पावर आता है शासन गद्दी आता है तो आप तो क्या होता है कि जो आपका जो लार्जर जो सोशल डायनामिक है जो कास्ट आपका अनटचेबिलिटी एवोल्यूशन होता है लॉ में लेकिन सोसाइटी में रहता है और कास्ट का जो एवोल्यूशन है वो बात डिबेट में भी नहीं आता है इंडियन इंडियन पॉलिटिक्स का आप अगर बात करेंगे से पहले भी तो कास्ट को एक नेगेटिव फेनोमेना में कभी इंडिया में देखा नहीं गया अभी तक एक्सेप्ट एंटी कास्ट मूवमेंट जो जाति विरोधी आंदोलन है उसको छोड़ के कास्ट कास्ट को एक आइडियल इंस्टीट्यूशन माना गया है सिर्फ जो जाति विरोधी आंदोलन है उसने डिक्लेयर किया है कि कास्ट इज एंटीनेशनल बाबा साहेब लिखे

तो ये जो एक लार्जर जो एक सोशियल नहीं हुआ है तो आप उस जो ऑर्डर तो ये, तो ये, तो ये दुर्भाग्य है कि जो इंडिया का जो डिस्पाइट ऑफ क्लेमिंग ए लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन अनटचेबल आज मैं प्रेसिडेंशियल डिबेट का भाषण देके जेनू में आता हूं जब गांव में तो मैं जब तो आप जब अपने दोस्तों को मिलने जाता हूँ उसका घर तो वो घर में नहीं मेरे को बुलाता है वो घुमा के किसी पेड़ के नीचे जाके हम लोग बात करते हैं और ये ये कोई सवरणा का बात नहीं कर रहा हूँ ये मैं आदिवासी और ओबीसी दोस्तों का बात कर रहा हूँ जो दलितों के साथ जो अनटचेबल के साथ व्यवहार करते हैं तो ये एक लार्जर रियलिटी है मतलब इसीलिए जो आइडिया बहुजन पॉलिटिक्स आइडिया मूल निवासी पॉलिटिक्स उसको भी क्रिटिकली जो अपना आइडिया को रिविजिट करने का जरूरत है क्योंकि तो कौन बहुजन है इट इज आप यूपी के कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे तो बहुजन एक आइडिया आया लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी में बहुजन बहुजन नहीं बन पाया जो दलित है जो अनटचेबल है वो वो वैसा ही रह गया है इसके इसके वजह से जो एट्रोसिटी है आपका जो अनटचेबिलिटी है वो इंटैक्ट रहता है और वो आगे आने वाला समय में रहेगा तो इसीलिए जो दलित है जो दलित जो कम्युनिटी है जो अनटचेबल कम्युनिटी है उसका स्पेसिफिसिटी को लेके किस प्रकार से हम फ्यूचर में आंदोलन को लेके जाएंगे वो सोचने का जरूरत है और जो स्टेट मशीनरी है स्टेट वी नॉट वी डोंट हैव दैट मच पावर टू चैलेंज द स्टेट मशीनरी एंड चैलेंज चैलेंज द स्टेट स्टेट ऑपरेटर्स वो मीडिया हो पुलिस हो uh, और, और कोई भी इंस्टीट्यूशन हो तो आप आज, आज तो जी, जो भी थोड़ा बहुत हम लोग पावर में थे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से एक हो पाया वो तो एक धीरे धीरे वो खत्म होता दिखता है तो एक, एक एक लार्जर जो सवाल है कि क्या हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा दैट विल बी क्वेश्चन सुमित uh, सुमित यस yes. uh, देखो मैं बस एक चीज बोलूंगा कि जी के साथ तो मतलब कम्प्लीटली एग्री करता हूँ मैं कि ये जो लार्जर आंटिकास मूवमेंट में भी जो हम लोग कैटेगरीज यूज करते हैं बहुजन और फिर मूल निवस ये सब को हम लोग को रिविजिट करने का जरूरत है क्योंकि जब भी ऐसे माहौल होता है जब भी ऐसे एट्रोसिटीज होता है वायलेंस होता है तो अक्रॉस द कंट्री दलित ऑर्गेनाइजेशन ही सामने आते हैं दलित लोग ही सड़क पे तो उतरते हैं कोलकाता में भी वाल्मीकि लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं चेन्नई में भी वीसी के के लोग कर रहे हैं दलित लोग ही कर रहे हैं केरला में भी दलित लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो अगर रियलिटी सच में बहुजन है तो फिर वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए जो कि है नहीं अभी तक और बहुजन बनाने के लिए तुम्हें एफर्ट डालना पड़ेगा तुम्हें सोशल यूनिटी बनानी पड़ेगी लोगों के अंदर जो कि अभी तक है नहीं इसीलिए जब भी ऐसे एट्रोसिटीज होता है वायलेंस होता है दलित हमेशा अकेला पड़ जाता है तो इसलिए दलित मूवमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो तो है ही है और फ्यूचर प्लान्स तो यही है कि हम लोग कैसे इसको ये मैटर को समझे कि एक तो हो गया स्टेट एक तो हो गया सोसाइटी राइट हम लोग दोनों कर और स्टेट और स्टेट और स्टेट का जो का जो रूलिंग आइडियाज है जो, जो है जो मार्क्स भी बोलते हैं रूलिंग आइडियाज बिलोंग टू द रूलिंग क्लासेस तो ये जो रूलिंग आइडियाज है सोसाइटी के डोमिनेंट आइडियाज है वो रिफ्लेक्ट करता है स्टेट मशीनरीज के थ्रू स्टेट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू तो ये सब हम लोगों को समझना पड़ेगा और फिर हम लोग एक नेशन वाइड दलित मूवमेंट के बारे में बात कर सकते हैं या फिर रीजन वाइज की ओडिशा में अगर हो रहा है तो ओडिशा के कॉन्टेक्स्ट को लेके हम लोग को मूवमेंट करेंगे ये सब हम लोग को देखना पड़ेगा और फिर एजेंडा और हम लोग एजेंडा लेस हैं पता है अभी तक हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है कि क्या करना चाहिए हम लोग सिर्फ गुस्सा गुस्सा ही जाहिर कर रहे हैं बार बार गुस्सा कर रहे हैं गुस्सा कर रहे हैं बार बार वही कर रहे हैं लेकिन हम लोग के पास एक प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन नहीं है कि हम लोग को चाहिए क्या जुडिशियरी से हम लोग को क्या चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग को क्या चाहिए ये हम लोग एकजुट के साथ आ नहीं पा रहे हैं बीमार में अपना कुछ कर रहा है ओडिशा में वो जो अपना एमओ एस है वो कुछ कर रहा है अपना अलग अगर ओडिशा के बारे में बात करूँ ठीक है निर्वेदा अपना कुछ कर रहा है तो हम लोग के अंदर एक कोऑर्डिनेशन है नहीं हम लोग के अंदर जो थोड़ा बहुत जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, है वही सबसे ऊपर आ जाता है लेकिन अपर कास्ट के लिए ऐसा नहीं है अपर कास्ट का आर है विश्व हिंदू परिषद है शिव मतलब बजरंग दल है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है हजार ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन वो डिफरेंसेस वो अपने कम्युनिटी को कभी पीछे नहीं धकेते हैं उनके लिए पहले कम्युनिटी आता है इंटरेस्ट कम्युनिटी का इंटरेस्ट फिर आता है आइडियोलॉजी हमारे साथ वैसा है नहीं हमारे साथ एक डिस्ट्रिक्ट में भी अगर दो अम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन तो बात नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ तो ये हम लोग को समझना पड़ेगा बहुत मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से सोचना पड़ेगा और फिर हा, इंसिडेंट ये करना पड़ेगा और मैं थैंक यू करना चाहता हूँ प्रॉब्लम चल रहा है शायद माँ के साथ मुझे कुछ काम है तो मैं सबको भीम करता हूँ और थैंक यू बुलाने के लिए yeah, okay. Okay. तो मुझे थोड़ा तो okay, जाना okay, पड़ेगा ओके okay, ठीक है बहुत आ, आपको धन्यवाद आपने ज्वाइन ए रियलिटी इन उड़ीसा कॉन्टेक्ट ऑल्सो तो जब हम बात करते हैं जो हमारा टाइटल जो हम देखते हैं कि इस जस्टिस फॉर दलित स्टिल ए ड्रीम तो क्या जस्टिस दलित के लिए एक ड्रीम के, रह के रह गया है तो जब ये बात हमारे पास आता है तो इवन जो भी कॉन्टस आता है जो भी इंसिडेंट होता है तो हम जस्टिस के लिए आगे बढ़ते हैं जैसे कि जीतू बोल रहे थे कि एक मशीनरी है स्टेट मशीनरी है और उस टेस्ट मशीनरी हमारे बाबा साहेब ने दिए हैं तो उसी के हिसाब से हमारा भी राइट right बनता है कि क्योंकि हमने इलेक्ट किया है गवर्नमेंट को और जो मशीनरी वगैरह को भी एक पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव होके गया है तो हमें एक काइंड kind ऑफ of हमें वहां पर हमें जस्टिस का एक्सपेक्ट तो करना ही पड़ेगा तो ये तो रहा जस्टिस की बात पर हम जब बात करते हैं कि क्या हमें जस्टिस मिल पा रहा है तो हम ओवरऑल करते हैं रोहित बंगुल्ला का हमने इतना बड़ा हमने रैली किए बहुत इंटरनेशनल लेवल तक कॉन्शियसनेस गया और ये भी हम मानते हैं कि जो बड़े वाला जो आंदोलन होता है या जो रैली होता है तो कहीं ना कहीं एक कॉन्शियसनेस डेवलप होता है बहुत सारे लोग हैं जो Uh, जस्टिस पर रोहित जो रोहित का छुपा के थे वो लोग आगे कि प्राउडली बोले की, बोले की मैं दलित और, उनके फिर सुनाए उन्होंने। और बहुत सारे उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट हुआ कास्ट को लेके लाइक इंस्टीट्यूशन के अंदर में भी डिस्कशन हुआ फिर बहुत सारे जगह पर भी वो उसका हम लिटरेचर भी हमने लिखे तो बहुत सारे बहुत जगह पर क्या हुआ ना कि जहां जहा पर कास्ट को डिस्कशन में नहीं लाते तो वहां पर डिस्कशन स्टार्ट हुआ तो कहीं ना हम बोल सकते हैं कि जो एक आउटपुट है प्रोटेस्ट का या जो हमारा जो एक हम जब जस्टिस के लिए हम लड़ाई करते हैं बड़े बड़े से जो रैली करते हैं तो कहीं ना एक आउटपुट होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप होता है और एक दूसरे पर्सन जिसको पता ही नहीं रहता है कि ऐसे इंसिडेंट हो रहा है दलित के साथ ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है तो एटलीस्ट वो पर्सन को एक अवेयरनेस होता है पर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हम सिर्फ कॉन्सियस को ही हम देख के कितना तक हम आगे बढ़ते हैं या कितना हम प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि सामने वाला पास हम प्रोटेस्ट करने जाते हैं पर सामने वाला जस्टिस देगा या नहीं देगा हमें पता नहीं क्योंकि वो एक ऑपरेशन की कम्युनिटी से आता है वो और वो मशीनरी भी हमें एक काइंड ऑफ यूज किया गया है टाइप का बोल सकते हैं कि एक मशीनरी मशीनरी है जिसको हम एक लॉ एंड रेगुलेशन या बायोलॉज की तरह से चलता है रूल रेगुलेशन है पर उसके अंदर में जब एक डोमिनेशन आ जाता है सवारना का या अपर कास्ट का या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का जैसे कि जीतू बोल रहे थे तो वहाँ पर एक माइनॉरिटी हो जाता है दलित और वहाँ पर जस्टिस मिलना बहुत एक ड्रीम होके रह जाता है तो ये वाला एक हमारा जो कंसेंस uh, है पर मैं जीतू को uh, जीतू के साथ मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि आज मुझे लगता है कि जब भी हम हमारे जो दलित ऑर्गेनाइजेशन है या जो हमारे मोमेंट के जो लोग हैं तो हम बहुत टाइम तक हम नजरअंदाज कर देते हैं केसेस को लेके उनके पास जो इवन जो सुमित भी गए अभी छोड़ के तो सुमित भी बोल रहे थे कि हमारे पास जो ईगो है पर्सनल ईगो है और हम आइडियोलॉजी को हम एक मीडियम बन के नहीं चलते हैं या एक टॉप पर रख के नहीं चलते हमारा पर्सनल ईगो को हम लेके चलते हैं फिर ऑर्गेनाइजेशन पे अगर डिफरेंट हो जाते हैं अलग अलग हो जाते हैं फिर वहां पर एक जो साथ में आने का जो एक नजरिया रहता है वो नहीं नहीं हो पाता है अगर हम स्पेसिफिकली उड़ीसा में बात करते हैं तो उड़ीसा में भी एक काइंड kind ऑफ of हम प्रॉब्लम देख सकते हैं कि जब भी हम रैली करते हैं तो क्यों हमारा एक हर ऑर्गेनाइजेशन साथ में मिलके क्यों एक रैली नहीं हो पाता है क्यों एक प्रोटेस्ट नहीं हो पाता है सारे ऑर्गेनाइजन क्यों नहीं आते हैं क्यों हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ ये ऑर्गेनाइज कर रहा है इसी ऑर्गेनाइजेशन हम हम उनके ऑर्गेनाइजन के रैली में क्यों जाए हमारा खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन का रैली होना चाहिए तो ऐसा क्यों होता है अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आज अगर हम जस्टिस मनुष्य का हम बात कर रहे हैं हाथरस का तो क्यों... नहीं हम एक जस्टिस एक्शन बना सकते सभी ऑर्गेनाइजेश के साथ मिला के तो ये वाला बातें जो है ना एक क्वेश्चंस आता है तो ये क्वेश्चंस को मैं जीतू से पूछना चाहता हूँ कि ओपनली आई थिंक जीतू आप बोल सकते हो कि इसको हम कैसे देख सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो है आ, रैली तो होता है पर जब बात आता है कि एक इंटीग्रेशन की बात आता है सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलके कुछ करें या जस्ट जस्टिस क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं सवरना के पास या कोई अपर जर्नलिस्ट या कोई मीडिया या कोई स्टेट मशीनरी मतलब स्टेट मशीनरी का हम रख रहे हैं पर एटलीस्ट जब ब्रामिनिकल जो डोमिनेशन है उस तो वहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेशन पूरा नील है और हमें नहीं भी रखना चाहिए जो मीडिया है जो सवरना पीपुल्स है तो जब हम नहीं रख रहे हैं उनके पास एक्सपेक्टेशन तब हमारे पास जो बोल सकते हैं कि जो हमारा हमारा इंडिपेंडेंट जो जो है है दलित है, या मोमेंट चल रहा है उसको हम क्या डायरेक्टली हम बोल सकते हैं उनके पास और इवन हमारा एंग्रीनेस भी आना चाहिए उन लोगों के आ, साथ जो हाँ ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ एक सेल्फ सैटिस्फेक्शन चलाने का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए या एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन टाइप का एक मोवमेंट नहीं होना चाहिए दलित मोमेंट क्योंकि हमें एक जस्टिस लेना है जिस जस्टिस हमें कहीं पर भी नहीं मिल रहा है तो हमें आज दलित हमें कैसे जस्टिस हम ले सकते हैं और एटलीस्ट हमें हमारे लेकिन हम जब लाइव हमारा अगर हम लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एटलीस्ट हमें अगर फुल जस्टिस नहीं मिल पा रहे पर एटलीस्ट हम जस्टिस पाने के लिए कितना दूर तक कोशिश कर रहे हैं हम तो ये इसके ऊपर आप आ, क्या बोलना चाहते हैं जीती uh... जो जो सुमित ने बोला और आ, आपने बोला कि जो जो एक जो कॉन्ट्रडिक्शन विद है ऑर्गेनाइजेशन में चाहे विद जो बहुजन संगठन का या फिर दलित संगठन का है ये एक जो जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो है और ये कुछ हद हाँ तक रहेगा लेकिन पास्ट में स्पेशली उड़ीसा में कुछ-कुछ मतलब कुछ-कुछ मोमेंट -कुछ हुआ स्नेह लती का जस्टिस को लेके तो Uh, सारा संगठन एक uh, जगह पे आके लड़ाई किया था प्रोटेस्ट वगैरह किया था तो एक एक तो है कि ऑर्गेनाइजेशन uh, विदिन जो अंबेडकराइट संगठन है उनमें uh, भेदभाव है नॉट भेदभाव लेकिन उनके अंदर जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है उसको लेके एक मतलब एक ट्रीटमेंट जो है एक एक प्लेटफॉर्म में नहीं आना ये एक चैलेंज है और ये बेसिकली ये इट इज़ वन ऑफ द नेचर ऑफ द ऑपरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेस्ट का ऑर्गेनाइजेशन है इसमें क्या है कि ये हमारे पास पावर नहीं है मनी नहीं है, ये और नहीं है और कैपिटल नहीं हमारे पास, जो कि एक 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 कम्युनिटी को हम होल्ड करके रख सके अगर उसके उसको कंपेयर करेंगे सवर्णों के साथ जैसे आरएसएस जैसा संगठन तो दे आर वेरी मच एक पावरफुल कम्युनिटी और जो जो बात कि हम अगर यूनिटी नहीं हो के भी हर हर अम्बेद संगठन चाहता है जस्टिस और जो हमारे जो लोगों के खिलाफ जो अत्याचार है उसके उसके खिलाफ बोल रहा है हर हर कोई संगठन है और बहुत सारे ज्वाइंट एक्शन कमेटी भी बने हैं पास में जैसा रोहित बेमोला मूवमेंट के टाइम पे बना था लेकिन जस्टिस जस्टिस आप चाहे ज्वाइंट कमिटी ज्वाइंट ज्वाइंट बनाए या फिर और कोई एक ऐसा लार्जर अम्ब्रेला बनाए जस्टिस इज फार फ्रॉम द रियलिटी जस्टिस इज फार फ्रॉम द ट्रूथ व्हिच वी हैव सीन इन द केस ऑफ रोहित बेमुला हाँ तो, तो क्या है कि जो जो सिस्टम है वो सिस्टम ही आपको जस्टिस नहीं देना चाहता है और जस्टिस और मेरे हिसाब से जस्टिस को भी हमको एक दूसरे जरिए में देखने का जरूरत है अगर इस केस में देखेंगे तो जस्टिस एक दलित महिला का बलात्कार होता है उसका मर्डर होता है तो वो जो उस कॉन्टेक्स में क्या हो सकता है जस्टिस तो हमारा जो एक आइडिया है जो आज दिखने को मिलता है सोशल मीडिया में एक व्यक्ति का बलात्कार होने के बाद या फिर उसका मर्डर होने के बाद दिखता है या फिर दलित बस्ती जलाए जाने पर दिखता है वो एक्चुअली लेवल पे दिखने का जरूरत है और वो तभी जाके जस्टिस होगा आप अगर सोसाइटी में एक व्यक्ति अगर अछूत है अगर सोसाइटी में अगर समाज में एक व्यक्ति अछूत है एक समाज अछूत है तो वहां पे जस्टिस नहीं है और जो, जो जिस प्रकार का एंगर, जिस प्रकार प्रकार का 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 एंगर हमको किसी मर्डर हो जाने के बाद हमको आता है उस प्रकार का गुस्सा तभी आने का जरूरत है जब कोई व्यक्ति समाज में अछूत है और वही होगा जस्टिस अगर अगर समाज में जब तक छुआछूत है और हम अगर अछूत है समाज में हम अगर डोम घासी चमान है समाज में और एक व्यक्ति नहीं है एक ह्यूमन नहीं है तो एक इंसान नहीं बन मतलब एक सोसाइटी में एक इंसान के तरह से नहीं जाने जा रहे हैं तो वहां पे जस्टिस बिल्कुल नहीं है तो अगर एज लॉन्ग एज देर अनटचेबिलिटी देर इज नो जस्टिस अनटचेबिलिटी एबोलिस होने का जरूरत है तभी जाके आप जस्टिस हो, हो मिल पाएगा अगर ये एक यूटोपिया है जो इसीलिए मैं बोला था कि देर इज नो जस्टिस और और एक बात जो मैं बार बार बोलता हूँ कि एज लॉन्ग एज वी स्टे विद दिसनिटी ऑफ हिंदू देर विल बी एट्रोसिटी देर विल बी अनटचेबिलिटी जो अगर छुआछूत के खिलाफ ज्योतिराव फुले से लेकर आज तक हमारा लड़ाई चल रहा है लेकिन आज भी हम लोग अछूत है तो ये एक जो एक मेजर जो सवाल है हमको पूरा लार्जर दलित मूवमेंट को एक सवाल पूछने का जरूरत है जो uh, जो बाबा साहेब ने भी किया था कि क्या क्या दलित दलितों के लिए इस देश में जगह है दलितों के लिए इस देश में बाबा साहेब बोले कि आई हैम ले अगर अगर सोसाइटी में कोई हमको इंसान ही नहीं मान रहा है तो वो जस्टिस कैसे मिलेगा वहां पे तो जस्टिस किसको मिलता है जस्टिस तब तक मिलेगा आपको जब आप एक देश का सिटीजन्स हो आप एक देश आप एक ह्यूमन हो तब जाके आप एक जस्टिस का डिमांड कर सकते हैं जस्टिस किसी जानवर को मिल नहीं रहा है अगर आप देखेंगे तो जस्टिस एक जो एक जानवरों के बाहर अगर आप देखेंगे देखेंगे जानवरों को लेके तो वहाँ पे जस्टिस नहीं है। justice जब कर रहे हैं जस्टिस और लेजिस्लेशन लॉ ये सब बात करें तब इंसान है अगर यहाँ पे आपको इंसान ही नहीं माना जा रहा है तो जस्टिस तो दूर की बात है इसीलिए जो 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 सवाल है जब तक हम मौजूद है देर इज नो जस्टिस और इंडिया में कब तक हम इनजस्टिस जो जो अछूत अछूत जो पन है कब तक चलेगा ये एक लार्जर सवाल है जो अम्बेडकर मूवमेंट को एक ये जो डिबेट है वो डिबेट अभी तक नहीं आया है क्या इंडिया में जस्टिस पॉसिबल है कब तक हम अछूत बन के रहेंगे ये सवाल आगे लेके हमको जाने का जरूरत है यस yes, राजेश बिल्कुल जीतू एक्चुअली ये भी सही बात है कि जब हमारा हम 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 लोगों को अगर सिटीजन के हिसाब से अगर देखा नहीं जा रहा है एक कंट्री में तो हम जस्टिस की बात जब करते हैं तो जस्टिस मिलने का भी बहुत एक बड़ा सपना हो जाता है हमारे लिए क्योंकि एक जानवर जब एक लाइक एक जानवर होता है जो जानवर को जस्टिस नहीं मिल पाता क्योंकि एक जानवर होता है तो हमें भी यहाँ पर एक जानवर जैसा या मतलब एक टाइप काइंड ऑफ लाइक वी आर नॉट ए काइंड ऑफ सिटीजन विद इन दिस कंट्री सो इस हिसाब से हमें ट्रीट किया जाता है कि और उसी हिसाब से भी हम जब जस्टिस का डिमांड करते हैं तो एक सवाल बन जाता है क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि एक्चुअली जस्टिस हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा बोल के तो इसके बाद हम जब लास्ट में जब हम आते हैं अगर हम इसी इंसिडेंट्स को हम देखते हैं के इंसिडेंट में तो ये भी हम देखते हैं कि अभी जैसे कि हम सुनने के लिए मिलते हैं कि जो लास्ट में जो क्रीमेशन हुआ है जो मनीषा को जो जलाया दिया जला दिया गया तो पोस्टमार्टम होने के बाद जला दिया गया बोलते हैं पर उसी भी जब जला दिया गया तो अभी लास्ट में अभी एक रिपोर्ट आता है कि उसके साथ रेप नहीं हुआ था तो ये होगा क्योंकि ये सिर्फ पहला इंसिडेंट नहीं हुआ है जहां पर पुलिस हमें डाइवर्ट करने लगा है या इंसिडेंट को डाइवर्ट करने लगा है और जो भी साथी जो भी हमारे सोशल मीडिया में जब भी स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हैं जस्टिस पर मनीषा को हाथरस वाला केस को तो उनको लग रहा होगा कि ये बड़ा सा केस है और इसको हम हाईलाइट करते रहेंगे तो एक हमारा एक आउटरीच बनेगा और एक मीडिया को प्रेशर होगा या एक गवर्नमेंट को प्रेशर होगा पर ये मैं भी मैं ये बता देना चाहता हूं कि अभी एक रिसेंटली और एक केस हुआ दो तीन केस अभी रेप हुआ है तो क्या हम जस्टिस पर मनीषा ही कहेंगे या जस्टिस पर दलित वुमेन कहेंगे तो यहाँ पर क्या होता है ना ना कि कि हमारा जो एक जो हम जो एक एक हम देखने का होता है बड़ा केस या छोटा केस केस तो वहां पर एक भी डाइवर्ट होने लग जाता है जस्टिस पर मनीषा हाँ वाला डायवर्ट होकर क्या हो जाता है कि दूसरे वाला केस हो जाता है फिर हम जिस मीडिया के ऊपर हम देख रहे हैं जिस मीडिया एक जस्टिस पर मनीषा वाला केस चला रहा है तो उसी मीडिया क्या करेगा कि वो दूसरे वाला केस भी दिखा देगा तो वहां पर हमारा जो आउटरीच है हमारा आउटरीच आज या कल या परसों हमारा तीन दिन तक रहेगा फिर नेक्स्ट डे में क्या रहेगा दूसरे केस आ जाएगा फिर दूसरा डाइवर्ट हो जाएगा तो उसी हिसाब से कॉरेट जो गवर्नमेंट है कॉरेन जो बीजेपी का गवर्नमेंट है वो उसको पता है कि केसेस को कैसे डाइवर्ट किया जाता है इवन पुलिस लोगों को पता है कैसे डाइवर्ट किया जाता है हमें पता नहीं होता है कि कहाँ पर केस हो रहा है कहाँ पर एक्चुअली झूठा वाला केस चल रहा है क्या चल रहा है पर वो लोग जब भी आंदोलन होता है जब भी मोवमेंट होता है तो वहां पर वो केसेस को लेके आ जाएंगे और फिर उसको साइडलाइन कर दे कर देंगे तो एक जस्ट एग्जाम्पल दूंगा जैसे कि कल क्या हुआ कि कल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट कांग्रेस के जो राहुल गांधी है वो लोग पैदल मार्च करके हाथरस विक्टिम्स को देखने के लिए जाते थे तो वहां पर क्या हुआ वो तो हमें पता नहीं कि वो कांग्रेस के जो राहुल गांधी वो ऐसे ही गिर गए यहाँ पुलिस ने उसको गिराया पर वो वाला केस क्या होगा कि कि मेरा जो है मीडिया में ये चल जाएगा कि राहुल गांधी को क्यों गिराए गिराएजिशन को क्यों गिरा का आप क्यों गिराए आप किए उनके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों किए तो ये वाला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो आप जब एक्सपेक्ट कर रहे थे ना जिस मीडिया को जस्टिस पर मनीषा वाला कैंपेन चलाने के लिए या लोगों को जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना आप कि जो आउटरीच दिखा के जस्टिस पर मनीषा के लिए आगे बढ़े बोल के तो उसके बाद क्या होगा कि वो केसेस डाइवर्ट होते जाए होते चले जाएगा फिर वो पॉलिटिकल वाला मोड आ जाएगा पॉलिटिकल वाला मोड आके क्या होता है कि वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी भी हो जाएगा फिर उनके बीच में उनका झगड़ा चल जाएगा तो आपका जो जस्टिस पर जो मनीषा वाला जो कैंपेन होता है ना वो फिर साइलेंट हो जाता है और फिर नीचे आ जाता है फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ कि रोहित बंगला के जो केस में रोहित बंगला का केस में क्या हुआ कि जो एक्चुअली बात होना चाहिए था वो बात नहीं हुआ वो एक कास्ट पर लटक गया कि वो ओबीसी था या दलित था फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव बन गया हो तो इस हिसाब से ना तो हमारे साथ जितना भी एसिनेस होता है जितना भी केसेस होता है तो ये लोग डाइवर्ट करने में माहिर हैं, डाइवर्ट कर देंगे इजीली, और हम जितना भी सोशल मीडिया हम शेयर करते रहेंगे तो इजीली हमारा इशू साइडलाइन हो जाएगा हमारे जस्टिस बोलने का तो दूर की बात है पर एटलीस्ट हम इशू को हाइडलाइन हाईलाइट हाई 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 भी नहीं कर पाएंगे तो मैं जितने तो लास्ट में ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे जितना भी जो हमारे साथी हैं हमारे कम्युनिटी के खासकर जो लोग हैं जो लोग ये वाला जो इंसिडेंस होता है सडनली जो आउटरीच बन जाता है या मीडिया दिखाता है या कहीं बाहर से भी आ जाता है जो हिस्स क्राइम बोल देते हैं हम पर हिन्स क्राइम ऐसा एक नहीं रहता क्योंकि जब हाईलाइट हो जाता है तो उसको हम हिनियस क्राइम बोल देते हैं पर बहुत सारे केसेस होता है जो गाँव लेवल पर हो जाता है वो भी हिनियस क्राइम से ज्यादा भी क्राइम हो, होके रहता है हमारे दलित उनके अगेंस्ट

जो एंगर है जो गुस्सा है ये ये जाहिर सी बात है ये होने वाला है, और जिस प्रकार से जो दलित के खिलाफ जो एट्रोसिटी होते हैं वो जो एट्रोसिटी है, वो जाहिर सी बात है जब सोशल मीडिया हमारे लोग यूज कर रहे हैं तो एक एक ओपरो जो है एक इमोशनल आउटबॉस है, है जो एक दिखने को मिलेगा और वो वो दिखना भी चाहिए और वो एक्चुअली वो ग्राउंड रियलिटी में तब्दील होने का जरूरत है वो जो है कैसे वो एक्शन प्लान में वो तब्दीली हो वो एक चैलेंज है आज आप आज गुस्सा हुए एक इंसिडेंट देखे और आपका अगर इंसिडेंट खत्म हो जाने के बाद आपका गुस्सा चला गया तो आपका जो एक जो गुस्सा है आपका जो इमोशन है वो एक सर्टेन एक टाइम है सर्टेन पीरियड है एक इंसिडेंट हुआ आपका गुस्सा आ गया फिर आप बवाल खड़ा के फिर साइलेंट हो गए तो वहां पे इस प्रकार का जो गुस्सा है वो उतना हेल्पफुल हमारे लिए नहीं है अगर वो गुस्सा तब्दील हो रहा है सामाजिक जो व्यवस्था है उसको बदलने के लिए तब जाके वो वो एक्चुअली चैलेंज है और वो एक्चुअली लीडरशिप का चैलेंज है कि, कि किस प्रकार से जो एक गुस्सा आज दिखने को मिल रहा है हमारे समाज में उसको कैसे एक चैनलाइज करके एक राइट डायरेक्शन देके एक पॉलिटिकल एक्शन एक पॉलिटिकल एक्शन की ओर कैसे ले जाए वो एक एक वो चैलेंज हमारे पास हमारे साथ है वो एक बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन किया भी है अगर देखेंगे तो भीम आर्मी का एक जो एक मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजी देखेंगे तो कोई आंदोलन आ, कहीं पे एट्रोसिटी हुआ कहीं पे अत्याचार हुआ दलितों के खिलाफ तो पूरा अचानक एक आ, आंदोलन खड़ा कर देना लोगों को बुला लेना तो एक तो एक डायरेक्शन देने के लिए आप आंदोलन करो एजिटेशन करो आ, अपना राइट right के लिए अपना जस्टिस के लिए वो एक 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 फ्रेमवर्क है तो एक जो जो जो, जो, जो गुस्सा है लोगों में वो तो जाहिर रहे, है वो रहेगा और उसको एक्चुअली कैसे हम हमें सोचने का जरूरत है कि कैसे हम उसको पॉलिटिक पॉलिटिकल एक्शन में तब्दील किया जाए वो एक्शन प्लान में बदले और जो जस्टिस है उसके खिलाफ हम लड़ाई करें yes. थैंक यू जीतू आपने बहुत अच्छे तरह से उसको एक्सप्लेन किए और जीतू की बातें को हमें अच्छे तरह से ध्यान देना चाहिए और ख़ास करके जो यंग जनरेशन जो हमारे कम्युनिटी से जो आते हैं उनको ये बातों को ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम चैनलाइज करें हमारे गुस्से को या हमारे जो एंगर ने एंगर को तो उसी को हमें फील्ड पर लेके आना पड़ेगा ना कि जिस एक केस को हम देख के एक बड़े वाला केस को हम देख के फिर हम गुस्सा हो जाएंगे एक टाइम पर और सोशल मीडिया में हम शेयर करते रहेंगे और जब वो केस थोड़ा तो नॉर्मलाइज हो जाए क्योंकि नॉर्मलाइज हो जाएगा स्टेट मिशनरी पुलिस सिस्टम पॉलिटिशियंस देन मीडिया ये सारे लोग हमारे केसेस को कुछ दिन को बाद नॉर्मलाइज कर देंगे तो क्या हम भी नॉर्मलाइज हो जाएंगे तो वो हमारे पास एक बड़ा सा एक क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे गुस्सा को हमारे एंगर को हमारा जितना भी एक हेटरेसनेस है इसी सिस्टम को लेके और इसी जो ब्रामिनिकल जो सिस्टम है उसको लेके तो ये गुस्सा को हमें मोमेंट में तबलीग करना पड़ेगा मोमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और हमें ग्राउंड पर लड़ाई करना पड़ेगा ग्राउंड में हमें सभी को साथ आना पड़ेगा तो ये हमें सभी को देखना पड़ेगा तो हमें लगता है कि ये वाला जो हमारा जो टॉपिक था जो जस्टिस को लेके तो हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग आया होगा कि जस्टिस दलित के लिए एक ड्रीम है या आगे मिल सकता है या क्या है और उसको जस्टिस को अगर हमें फाइट करना है अलोनली हम हम हमें खुद को मिलके तो हम कितना लेवल तक हम जस्टिस को लड़ाई कर सकते हैं और कैसे लिया जा सकता है तो इसके ऊपर हम सभी को सोचना चाहिए हमें सभी को उसके ऊपर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमें जस्टिस कैसे मिल सकता है और हमें कैसे ऑर्गेनाइज होके रहना चाहिए बोल के तो लास्टली मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अभी आ, बलांगीर में हमारा एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज होने वाला है एक कैंडल मैच होने वाला है जो कि आ, कैंडल मार्च जो कि एक कचेरी छौक पर होना है तो जो भी ये हमारे जो लाइव डिस्कशन देख रहे हैं वो आप सभी लोग को अनुरोध है कि आप छे बजे में छह बजे में कचेरी चौक पहुंच जाए और वहां पर आप ज्वाइन कीजिए बहुत बड़े लेवल पर और आपके गुस्से को अटली मतलब एक पीसफुल लेवल पर कैंडल मार्च करके आप सपोर्ट कीजिए हथरस के जो इंसिडेंट है हम ट्राई कर सकते हैं हमें पता है कि मीडिया हमारे साथ नहीं है हमें पता है कि अपक्का जो लिबरल पीपुल्स से वो हमारे साथ नहीं है हमें हम एक्सपेक्ट हम भी नहीं कर रहे हैं उन लोगों को हमारे पास जुडिशरी भी हमारे पास सपोर्ट में नहीं है या हमारे पोलिस सिस्टम भी सपोर्ट में नहीं है तो इनके बावजूद भी हम हमारी लड़ाई हमें जारी रखना पड़ेगा हमारे जस्टिस के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा हमें जो चाहे वो कर सकते हैं जैसे कि प्रोटेस्ट मार्च कर सकते हैं कैंडल मार्च कर सकते हैं और हम आर्टिकल भी ले सकते हैं सोशल मीडिया भी हम रह सकते हैं तो हमारे साथ हमारे पास जितना अवेलेबल मशीनरी है उसका हम यूज कर सकते हैं तो इस हिसाब से हमें ट्राई करना चाहिए जस्टिस मिलने के लिए तो वो वाला हम आ, आ, कह सकते हैं तो थैंक यू जीतू और एंड देन सुमित भी हमारे साथ जुड़े थे और सु, सुमित भी जुड़े थे पर उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो हमें छोड़ के गए तो आशा करते हैं कि हम इस टाइप का हम डिबेट डिस्कशन सामने आगे भी लेके आएंगे और आज हमारे पास फीमेल पैनलिस्ट नहीं हो पाए उसके लिए हम आप सभी से माफ़ी चाहते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम जो भी इस इशू इस के लेके अट्रोसिटी लेसेस एट्रोसिटी वगैरह केसेस हो गया जस्टिस वाला केसेस हो गया तो इसी केसेस को जो लोगों ने लड़ाई किया है ग्राउंड लेवल पर केसेस वगैरह लड़ाई किए हैं उन लोगों को हम आगे आगे आने वाले टाइम पर हम उनको लेके आएंगे क्या प्रॉब्लम होता है क्या क्या हमें फेस करना पड़ता है स्टेट मशीनरी के साथ ये को चीजें हम डिस्कस करते रहेंगे तो उसी टाइम तक आप सभी लोग का हमारा ये अनुरोध है कि आप निर्वेद के साथ जुड़ी आप जोड़ के रहिए निर्वेद उड़ीसा के साथ यूट्यूब जो हमारा जो यूट्यूब का जो हमारा चैनल है उसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और जो भी लोग हैं उनको साथ शेयर कीजिए और हम फेसबुक भी है फेसबुक में भी आप लाइक कर सकते हैं फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं एंड देन uh, हमारा वेबसाइट भी है वहाँ पर हमारा अपडेट uh, आते रहता है हमारे न्यूज अपडेट आते रहता है हमारा आर्टिकल डेवलप होता है किसी को भी आर्टिकल लिखना है तो आप लिख सकते हैं हथरस के इंसिडेंट को लेके या और भी कोई इंसिडेंट को लेके तो फाइनली मैं जीतू को ये बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर कुछ बोलना है लास्ट टाइम पर तो आप कुछ बोल सकते हैं जीतू जीतु आर्योदय या yeah. तो so, मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा होप कि हमारा जो ये चर्चा है वो आगे भी जारी रहेगा और सभी को जय भीम को थैंक यू ये चर्चा ऑर्गेनाइज करने के लिए कि होप हम ये जो जो चर्चा है जो एट्रोसिटी है कास्ट एंड टचेबिलिटी है और जो दलित मूवमेंट है उसको जो चर्चा है वो उसको आगे भी कंटिन्यू थैंक यू ओके थैंक यू सो मच जीतू एंड आई ऑल्सो थैंक सुमित्व फ्रॉम जेनू न्यू डेली सो ओके सो हम यहाँ पर रह, रखते हैं इसी डिस्कशंस को एंड सभी लोगों को धन्यवाद सभी लोग अपना अपना टाइम निकाले और इसी डिस्कशन में जुड़े और आशा करते हैं कि आप सभी लोगों का साथ निर्वेद को मिलते रहेगा आगे टाइम आने वाले टाइम पर भी और जब भी जस्टिस की बात होगा तो आप सभी लोग एक साथ आएंगे और हम मिलजुल के आगे बढ़ते रहेंगे और आगे जस्टिस की लड़ाई करते रहेंगे थैंक यू एंड सभी को धन्यवाद जय नमस्कार एंड जुहार